चलो तो शुरू करेंगे फास्फोरस के बारे में। सारा भी नोटबुक निकाल के लिखना शुरू कर दो, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ फास्फोरस के बारे में। तो पहला वाला आता है फास्फोरस के बारे में कि अगर टोटल बॉडी का फास्फोरस निकाल दें तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 1 kg के आसपास आएगा। तो टोटल बॉडी फॉस्फेट इज इक्वल टू 1 kg। अगर कैल्शियम के बारे में बात करेंगे तो कैल्शियम का जो वेट होता है वो 1 kg से लेके 1.5 kg तक आता है, ठीक ठीक है। लेकिन फॉस्फरस का अगर बात करें तो वो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम 1 kg के आसपास। समझ रहे हो। सर, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। बात यस करेंगे कैल्शियम के बारे सर, में, आई मीन फास्फोरस के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका 80% ऑफ फास्फोरस, 80% कहाँ पर होगा, 80% बोन एंड टीथ में होगा। 80% बोन एंड टीथ में होता है और बाकी 10% होता है कहाँ पर, 10% होता है मसल्स के अंदर, ठीक है। और बाकी 10% जो है वो ब्लड के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड एंड दूसरे जगह पे मिला के आता है। तो अगर बात करेंगे फास्फोरस का जो ज्यादा सोर्स है, मतलब फास्फोरस जहां पर ज्यादा अवेलेबल होता है वो है बोन एंड टीथ के अंदर। समझ रहे हो। और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेन इंट्रा सेलुलर आयन। मेन इंट्रा सेलुलर आयन इंपोर्टेंट याद रखो, मेन इंट्रा सेलुलर आयोन। मतलब सेल के अंदर, मान लेते हैं अगर ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस, सेल के अंदर सारे क्या होगा, फास्फोरस होगा। सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। इंट्रा मतलब क्या आता है, इनसाइड, हाँ या ना। तो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर फास्फोरस होगा। अगर बाहर देखें तो सेल के बाहर ज्यादातर क्या आता है, सोडियम। याद रखो सेल के बाहर क्या होगा, सोडियम होगा। सोडियम तो सेल के अंदर ज्यादातर हमें क्या मिलेगा, फास्फोरस। और बाहर क्या मिलेगा, सेल के बाहर सोडियम सोडियम सोडियम। इंपोर्टेंट याद रखो, इंपोर्टेंट याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मेन इंट्रा सेलुलर आयोन जो है वो फास्फोरस है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, आई मीन रेकमेंडेड डेली अलाउंसेस या डायटरी अलाउंसेस, व्हाट एवर यू से। तो आरडीए के बारे में बात करेंगे, आरडीए कितना होगा। आरडीए होगा एक चिल्ड्रन के लिए, मैं और एक बार लिख देता हूं इसको, चिल्ड्रन के लिए होगा 500 mg पर डे। अगर वो 4 to 8 years का है तो, 4 to 8 years का है तो फिर 500 mg पर डे इसको लगेगा। और चिल्ड्रन के बाद अगर बात करेंगे 9 to 8 years के बाद, 9 to 8 years जो कि चिल्ड्रन का थोड़ा स्कूल एज ग्रुप में आता है, 9 to 18 years के बारे में, मतलब ये एडोलेसेंस के अंदर आ गया, 9 to 8 years के अंदर आता है, तो फिर इसका जो डेली रिक्वायरमेंट होगा वो 1200 के आसपास आएगा। अगर बात करेंगे एडल्ट के बारे में तो एडल्ट में इसका जो रिक्वायरमेंट होगा, डेली रिक्वायरमेंट, वो आएगा 500, 1200 से 500 माइनस कर दो कितना आएगा, सर यस सर सर 9 to 18 years वो होगा 1200 एमजी पर डे पर डे, का हाँ एमजी पर डे। समझ रहे हो, डेली जो ना, रिक्वायरमेंट होगा 1200 mg पर डे होगा। अगर एडल्ट के बारे में बात करेंगे तो वो कितना आएगा, 1200 माइनस 500 कर दो कितना आएगा, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, कितना आएगा, 700 700 mg पर डे। समझ रहे हो, चिल्ड्रन में कितना आता है, 500 mg पर डे, मतलब 4 to 8 years के बीच में। अभी 9 to 18 years डबल कर दो, देखो 4 × 2 = 4 का डबल कर दो 8, 4 to 8 के बीच में आ गया 500। नेक्स्ट डबल आ गया 8 के बाद 9, 9 का डबल कर दो 18 years, 9 to 18 years आ गया 1200 mg पर डे। एंड देन एडल्ट में आता है 700 mg पर डे जो कि 1200 माइनस 500, समझ रहे हो।
और ये अगर बात करेंगे 9 to 18 ईयर्स के बीच में ज्यादा क्यों लगता है फास्फोरस, कौन बता सकता है क्यों ज्यादा फास्फोरस चाहिए? क्यों चाहिए बताओ? पीरियड ये आता है जो डेवलपमेंट पीरियड होगा, समझ रहे हो? पीक पीरियड मतलब सबसे सबसे क्या बोलते हैं हाईएस्ट जो बोन ग्रोथ होता है वो यही पीरियड में होगा। कौन सा पीरियड में? 9 to 18 ईयर्स, समझ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पीक पीरियड ऑफ बोन ग्रोथ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? कभी कभी इसको बोला जाता है ग्रोथ, ग्रोथ स्पर्ट करके बोला जाता है, SPURT, समझ रहे हो? ग्रोथ स्पर्ट जो कि यही वाला पीरियड होता है अराउंड 12 इयर्स के आसपास सबसे पीक पीरियड होगा जहां पर बोन ग्रोथ ज्यादा होगा या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये मेल एंड फीमेल में थोड़ा मतलब अलग सा होता है इयर्स के बारे में, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये एक पीरियड होता है जहां पर सबसे ज्यादा बोन ग्रोथ होगा, इसलिए वहां पे क्या चाहिए? फास्फोरस ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसलिए 1200 mg/day यही पीरियड में ज्यादा सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन एंड एडल्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ पर? यस सर। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे सोर्सेस के बारे में, फास्फोरस का सोर्सेस के बारे में, सोर्सेस क्या होगा, सोर्स के बारे में अगर बात करेंगे। फास्फोरस का लेवल कितना है? क्या क्या सर? फास्फोरस का नॉर्मल रेंज कितना है? मैं अभी बताऊंगा आगे, ठीक है? आगे बताऊंगा, जा रहे हैं हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है? तो फास्फोरस का अगर नॉर्मल रेंज बात करेंगे वो आता है एडल्ट के अंदर 3 to 4 mg/dL एंड चिल्ड्रन में, और एक ऐड कर दो 3 to 4 था वो 5 to 6 mg/dL आएगा। मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? सोर्स अगर बात करेंगे तो जो गुड सोर्स होगा, गुड सोर्स होगा वो क्या होगा? गुड सोर्स होगा मिल्क। मिल्क एक अच्छा सोर्स होता है किसका? जल्दी बताओ, फास्फोरस। समझ रहे हो? फास्फोरस का एक गुड सोर्स होता है मिल्क। और क्या होता है? मीट। याद रखो मीट भी एक गुड सोर्स होता है, मतलब मीट में सारे अच्छा अच्छे से फास्फोरस मिल जाता है, समझ रहे हो? अभी नेक्स्ट बात करेंगे मॉडरेट सोर्स के अंदर आएगा, मॉडरेट सोर्स के अंदर आएगा सीरियल्स एंड नट्स, ठीक है? तो ये आ गया मॉडरेट सोर्स के बारे में। तो सबसे अच्छा वाला जो सोर्स होता है फास्फोरस का वो क्या होगा? मिल्क एंड मीट। याद रखो मिल्क एंड मीट होता है जो कि गुड सोर्स ऑफ फास्फोरस होता है, ठीक है? अभी बात करेंगे, अभी कोई मतलब क्वेश्चन पूछ रही थी रिगार्डिंग नॉर्मल रेंज ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस सीरियम फास्फोरस का नॉर्मल रेंज कितना होता है? नॉर्मल रेफरेंस रेंज अगर बात करेंगे फास्फोरस का, तो फिर चिल्ड्रन में कितना आएगा? अभी बता रहा था मैंने, कितना आएगा? 5 to 6 mg/dL। एडल्ट में थोड़ा कम आता है, एडल्ट में कितना आएगा? 4 to 5 mg/dL। समझ रहे हो? एडल्ट में जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज आता है वो 4 to 5 mg/dL और चिल्ड्रन में 5 to 6 mg/dL एक नॉर्मल रेफरेंस है, रेंज है। इसका मतलब है चिल्ड्रन को ज्यादा फास्फोरस चाहिए एज कम्पेयर टू एडल्ट, समझ रहे हो? क्यों चाहिए? वही एक ग्रोथ पीरियड के वजह से, समझ रहे हो? ग्रोथ, ये ग्रोथ के वजह से इनका क्या चाहिए? ज्यादा फास्फोरस चाहिए एज कम्पेयर टू एडल्ट, समझ रहे हो? चलो अगर बात करेंगे फास्टिंग फास्फोरस के बारे में, तो अगर टेस्ट करेंगे फास्फोरस का लेवल फास्टिंग एंड खाने के बाद, दोनों के बीच में अगर फास्फोरस का कंपैरिजन किया जाए तो फास्टिंग फास्फोरस थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू खाने के बाद अगर फास्फोरस लेवल चेक करें, समझ रहे हो? फास्टिंग फास्फोरस एंड पोस्टप्रांडियल फास्फोरस, मतलब खाने के बाद अगर फास्फोरस चेक करें तो फास्टिंग फास्फोरस थोड़ा ज्यादा आएगा। फास्टिंग फास्फोरस या फास्फेट इज ग्रेटर देन आफ्टर फीड, समझ रहे हो? या पोस्टप्रांडियल, मैं अभी बता रहा था फास्टिंग फास्फोरस के बारे में। तो फास्टिंग फास्फोरस क्यों
ज्यादा होता है as compared to खाने के बाद, समझ रहे हो? ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? अभी फास्टिंग और खाने के बाद के बीच में क्या डिफरेंस आता है? फास्टिंग का और ये खाने के बाद आफ्टर फीड, दोनों में मेटाबॉलिज्म का ज्यादा होना कौन सा केस में आता है, कौन बताएगा? मेटाबॉलिज्म किस में ज्यादा होता है, फास्टिंग में या आफ्टर फीड? मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा आफ्टर फीड, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा, हाँ या ना? यस सर। मेटाबॉलिज्म ज्यादा होना मतलब क्या बनना? एनर्जी बनना, हाँ या ना? एनर्जी प्रोडक्शन होना, हाँ या ना? अभी एनर्जी मतलब क्या आता है? एटीपी, हाँ या ना? एटीपी मतलब क्या आता है? एडेनो फॉस्फेट, हाँ या ना? अभी यहाँ पे देख लो, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लगा है, इसका मतलब क्या है? जब मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है वहां पे एटीपी बनने के लिए फॉस्फेट तो चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। अभी मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी बनता है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फॉस्फेट तो चाहिए। अभी फॉस्फेट अगर एटीपी बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाएगा तो फिर फ्री फॉस्फेट कहाँ मिलेगा बताओ? मिलेगा क्या? अभी देख लेते हैं, ये वाला सेल है और ये वाला ब्लड वेसल है, ठीक है? ये माना मान लेते हैं ब्लड वेसल है, ठीक है? तो ब्लड वेसल और ये वाला आता है सेल। सेल के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यहाँ पे एटीपी बन रहा है, ठीक है? अभी एटीपी बनने के लिए हमें पता है इंट्रासेलुलर जो आयन है सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ये फॉस्फेट होगा सेल के अंदर। अभी यहाँ से एटीपी बनने के लिए फॉस्फेट सर यूटिलाइज हो जाएंगे सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर फॉस्फेट यूज हो जाएंगे। अभी ब्लड के अंदर जो फॉस्फेट है वो चलेगा, शिफ्ट होगा कहां पर? ये ब्लड के अंदर से, ब्लड से जाएगा शिफ्ट होकर कहां पे? सेल के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ फॉस्फेट, सेलुलर शिफ्ट ऑफ फॉस्फेट, ठीक है? अभी देखो जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगा, अभी ब्लड वेसल के अंदर से फॉस्फेट जाके एटीपी बनाने के लिए लग गए, हाँ या ना? अभी यहाँ पे फॉस्फेट तो कम होगा 100% इस ब्लड के अंदर, होगा या नहीं होगा बताओ? समझ रहे हो? इसलिए खाने के बाद फॉस्फेट अभी कम होगा या बढ़ेगा बताओ? कम होगा। यहाँ पे क्यों कम होगा? क्योंकि फॉस्फेट सारे ब्लड के अंदर से जा रहे हैं कहाँ पर? सेल के अंदर एटीपी बनाने के लिए, हाँ या ना? एटीपी बनाने के लिए सारे फॉस्फेट यूज हो रहे हैं, तो फिर ये ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। तो इसीलिए फास्टिंग में क्या होगा? फॉस्फेट लेवल थोड़ा बढ़ के रहेगा, ब्लड के अंदर बढ़ के रहेगा, समझ रही हो? थोड़ा ज्यादा होगा, हाँ या ना? जल्दी बता दो, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ फॉस्फरस। फॉस्फरस का फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शन क्या होगा? नंबर वन फंक्शन याद रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ बनाने के लिए फॉस्फरस यूज होगा, समझ रहे हो? नंबर टू, फॉस्फोरिलेशन के लिए चाहिए, फॉस्फोरिलेशन के लिए क्या चाहिए? फॉस्फोरस चाहिए। अभी फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस में क्या क्या बनता है? जैसे कि एटीपी बनता है, एडीपी बनता है, और क्या बनता है? एनएडीपी बनता है, समझ रहे हो? ये सारे बनने के लिए क्या चाहिए? फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस आता है। फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या आता है? फॉस्फोरिलेशन जान लेते हैं। फॉस्फोरिलेशन मतलब एडिशन, याद रखो, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एनी अदर ग्रुप। अगर कोई दूसरा ग्रुप के साथ फॉस्फेट को हम जोड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिलेशन बोल देंगे, समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एडीपी, एएमपी मान लेते हैं। एएमपी मतलब क्या आता है? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट,
हाँ यार, इसके साथ अगर एक फॉस्फेट जोड़ दें तो फिर क्या बनेगा, एडीपी बनेगा, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अभी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ और एक फॉस्फेट जोड़ दें तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे जो फॉस्फेट जोड़ रहे हैं ये वाला प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक एक जो फॉस्फेट ऐड हो रहा है यहाँ पे, ये वाला प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिलेशन। समझ रहे हो, फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या आता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे लिखा है मैंने एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एनी अदर ग्रुप, कोई दूसरा ग्रुप के साथ अगर फॉस्फेट हम ऐड कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिलेशन। अभी एटीपी बनने के लिए फॉस्फेट चाहिए, एडीपी बनने के लिए फॉस्फेट चाहिए, एनएडीपी बनने के लिए भी फॉस्फेट चाहिए, तो फॉस्फोरिलेशन के लिए ये चाहिए क्या, फॉस्फोरस, या एनर्जी बनाने के लिए फॉस्फोरस चाहिए। या भी आगे हम लोग फंक्शन के बारे में, नंबर वन फंक्शन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, बोन एंड टीथ। नंबर टू फंक्शन क्या था, फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन। थर्ड फंक्शन, थर्ड फंक्शन सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम्स, सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम्स, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम, सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, जैसे कि एनएडी एंड एनएडीपी, ये सारे कोएंजाइम्स होते हैं, ये बनने के लिए भी हमें फॉस्फेट चाहिए। नंबर फोर फंक्शन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, मतलब कुछ एंजाइम का भी चाहिए, एक्टिवेशन ऑफ, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ सर्टन एंजाइम्स, सर्टन एंजाइम्स, एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मायोसिन लाइट चेन काइनेज MLCK, ये बनने के लिए मतलब ये एक्टिवेट होने के लिए इसको क्या चाहिए, फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस चाहिए, फॉस्फोरिलेशन। समझ रहे हो, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक एंजाइम होता है जो एंजाइम मसल कंट्रैक्शन के लिए हेल्प करेगा, मसल कंट्रैक्शन के लिए, तो मसल कंट्रैक्शन के लिए जो MLCK एंजाइम लगता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस से ही एक्टिवेट होता है, और ये एक बार एक्टिवेट हुआ तब जाके मसल कंट्रैक्शन होगा। तो मसल कंट्रैक्शन के लिए MLCK चाहिए, और MLCK को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फोरिलेशन चाहिए, और फॉस्फोरिलेशन के लिए क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। समझ रही हो, फॉस्फेट। सर MLCK का फिर से फुल फॉर्म बताइए ना, मायोसिन, याद रखो मायोसिन लाइट चेन, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, मायोसिन लाइट चेन काइनेज MLCK। ठीक है, MLCK मायोसिन लाइट चेन काइनेज। तो फॉस्फोरिलेशन एक प्रोसेस होता है जहां पर एंजाइम एक्टिवेट होते हैं काम करने के लिए। समझ रहे हो अभी, समझ रहे हो। नेक्स्ट बात करेंगे फॉस्फेट, फॉस्फरस लेवल का, फॉस्फरस का कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फॉस्फरस पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया था मैंने, कैल्शियम के बारे में एक बार कुछ मैंने बोला था, कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीशियम। जल्दी बताओ कौन बताया था, क्या बताया था मैंने, कैल्शियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीशियम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फास्फोरस। वेरी गुड, अभी कैल्शियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नॉट इनडायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फास्फोरस। हाँ या ना, हाँ या ना, याद आई आपको, बताया था मैंने। चलो अभी जैसे ही फास्फोरस लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम क्या होगा बताओ, कम होगा, या फिर कैल्शियम लेवल अगर बढ़ेगा तो फास्फोरस लेवल कम होगा, फास्फोरस कम होगा, एग्जैक्ट, बिकॉज़ इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, बात करेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया के बारे में, इंपॉर्टेंट, हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया मतलब क्या आता है, हाइपो मतलब क्या आता है, हाइपो मतलब, हाइपो मतलब कम होना, डिक्रीज, समझ रहे हो, हाइपो मतलब डिक्रीज, फॉस्फेटेमिया मतलब फॉस्फेट इन ब्लड, फॉस्फेट, फॉस्फेट, हाँ हाँ, इसका मतलब क्या आता है, डिक्रीज फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया, 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 डिक्रीज फॉस्फेट इन ब्लड। तो हमें नॉर्मल रेंज जो पता था, तो नॉर्मल रेंज कितना था बताओ, नॉर्मल रेंज था चिल्ड्रन केस में
चिल्ड्रन में कितना था? 5 to 6 mg per deciliter. चिल्ड्रन में था 5 to 6 mg per deciliter. अभी हाइपोफॉस्फेटेमिया कब बोलेंगे? हाइपोफॉस्फेटेमिया मतलब क्या आता है? हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेटेमिया मतलब क्या आता है? जब ये सीरम फॉस्फेट लेवल विल बी लेस देन 3.0 mg per deciliter या 3 से कम होने पर हम क्या बोलेंगे? हाइपोफॉस्फेटेमिया बोलेंगे. अभी हाइपरफॉस्फेटेमिया कब बोलेंगे? हाइपर कब बोलेंगे? मोर देन फोर. हाइपर बोलेंगे जब ये क्या होगा? सीरम फॉस्फेट विल बी ग्रेटर देन 4 mg per deciliter. याद रखो, समझ रहे हो? तो रेफरेंस रेंज क्या आता है? 3 to 4 mg per deciliter. कई सारे बुक में 3 to 4.5 तक भी दिया है, लेकिन हम यहाँ पे पकड़ लेंगे 3 to 4 mg per deciliter. याद रखने के लिए इजी होगा और तुम्हारे लिए भी इजी रहेगा, याद रखना. ठीक है, 3 to 4 mg per deciliter बहुत सारे बुक में, ये अप टू डेट, मतलब सबसे जो ट्रस्टेबल वेबसाइट होता है जहां पर मतलब कोई प्रेस्क्रिप्शन करने के लिए वहां पे मतलब देखते हैं सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वो साइट में 3 to 4 mg per deciliter दिया है, मतलब जो अपडेटेड गाइडलाइन है इसके हिसाब से. तो एडल्ट फॉस्फोरस लेवल जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज होगा वो 3 to 4 mg per deciliter होता है, और उससे कम होगा, 3 से कम होगा तो बोलेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया, और 4 mg per deciliter से ज्यादा होगा तो बोलेंगे हाइपरफॉस्फेटेमिया. समझ रहे हो? यस सर. हाइपोफॉस्फेटेमिया. अभी बात करेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन. अभी पैराथायराइड हार्मोन का एक काम है जो कि फॉस्फेट लेवल को एंड कैल्शियम लेवल को बैलेंस मेंटेन करे, और इसके साथ लगता है विटामिन डी. याद रखेंगे विटामिन डी का काम दो तरह का होता है, दो तरह का मतलब कैल्शियम को बैलेंस मेंटेन करना, उसके साथ फॉस्फेट को भी बैलेंस मेंटेन करना. तो दोनों को ये क्या करता है विटामिन डी, ये इंक्रीज कर लेता है इनका अब्जॉर्प्शन से इनका अब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता है. ठीक है, अगर इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, कैल्शियम भी बढ़ेगा एंड फॉस्फेट लेवल भी बढ़ेगा ब्लड के अंदर. हाँ या ना? Yes. तो विटामिन डी के बारे में याद रखो, विटामिन डी एक ही एक कंडीशन है जहां पर दोनों चीज आएगा. मतलब मैंने बताया था एक बार कि कैल्शियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉस्फेट, मतलब जहां पर कैल्शियम बढ़ेगा वहां पे फॉस्फेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. हाँ या ना? Yes, लेकिन विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, मतलब जहां पर विटामिन डी का अगर ज्यादा हम खा लिए, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन हो गया, एक्सेस विटामिन डी ले लिए, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होगा, उसके साथ फॉस्फेट भी अब्जॉर्प्शन होगा. इसका मतलब क्या है, हाइपर कैल्शियमिया होगा, उसके साथ हाइपर फॉस्फेटेमिया भी होगा. समझ रहे हो? अगर बात करते हैं विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी हुआ तो फिर क्या होगा, फॉस्फेट लेवल कम होगा या नहीं? यस सर. समझ रहे हो? तो हाइपोफॉस्फेटेमिया किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइपोफॉस्फेटेमिया के साथ, विटामिन डी डेफिशिएंसी जुड़ा हुआ है किसके साथ, हाइपोफॉस्फेटेमिया के साथ. समझ रहे हो या नहीं? यस सर. एक कंडीशन जो कि एक ही कंडीशन है, विटामिन डी का एक्सेस इंटेक विल लीड टू हाइपरकैल्शियमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया. अदरवाइज दोनों अपोजिट जाते हैं, यूजुअली अपोजिट जाते हैं. जहां पर हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा, जहां पर हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा वहां पर क्या होगा, हाइपोकैल्शियमिया होगा. समझ रहे हो? यूजुअली होना चाहिए. हाँ या ना?
जहां पर फॉस्फेट लेवल बढ़ता है वहां पर कैल्शियम लेवल कम होना चाहिए, लेकिन वाइटामिन डी एक ऐसा कंडीशन है जहां पर कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों बढ़ते हैं। समझ रही है नहीं? इंपॉर्टेंट बात याद रखो, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, यहीं से पूछ लेगा। समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वाइटामिन डी के मतलब कौन सा कंडीशन है जहां पर कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों बढ़ते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? चलो नेक्स्ट बात करेंगे पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में। ये तो वाइटामिन डी के बारे में बात किए, पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में। तो पैराथायरॉइड हार्मोन का एक्शन तीन जगह पर होता है। क्या कहां पर काम होता है वो देख लेते हैं पहले। नंबर वन आ गया, नंबर टू और ये आ गया नंबर थर्ड। तो फर्स्ट ये कहां पर काम करेगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल या पीसीटी। मतलब पीसीटी कहां पर आता है? नेफ्रॉन। समझ रहे हो? yes, ये नेफ्रॉन के ऊपर काम करेगा। नेफ्रॉन के ऊपर कौन सा जगह पे? पीसीटी में काम करेगा। दूसरा काम करेगा सीडी कलेक्टिंग डॉक में। और तीसरा कहां पर काम करेगा? डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। समझ रहे हो? तो पीसीटी के ऊपर अगर पैराथायरॉइड हार्मोन काम करता है तो फिर क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? ये जैसे ही पैराथायरॉइड हार्मोन पीसीटी के ऊपर काम करेगा, ये क्या होगा? डिक्रीज पोटास फॉस्फेट PO4 reabsorption, reabsorption कम हो जाएगा। किसका? फॉस्फेट का absorption कम हो जाएगा, reabsorption कम होगा। समझ रहे हो? That will lead to, या अगर reabsorption कम होगा तो क्या होगा? Decrease phosphate in blood, हाँ या ना? Hypophosphatemia. Decrease in blood, blood के अंदर कम होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ, yes, हाँ या ना? Yes, बात करेंगे कलेक्टिंग डॉक के बारे में। कलेक्टिंग डॉक के ऊपर जब PTH या पैराथायरॉइड हार्मोन काम करेगा और ये डीसीटी के ऊपर काम करेगा, दोनों का क्या काम होगा? टू इंक्रीज कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन। समझ रहे हो? इंक्रीज कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, समझ रहे हो? अभी क्या होगा, ब्लड के अंदर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताओ? इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, हाँ या ना? यस सर। चलो yes, अभी देखो सारे अपोजिट हो गए या नहीं। अभी ये अपोजिट होने का जो रीजन है ना, क्या फॉस्फेट एंड कैल्शियम, वो कहां किस लिए होता है? ये पैराथायरॉइड हार्मोन, समझ रहे हो? पैराथायरॉइड हार्मोन ही ये दोनों को अपोजिट काम करा लेता है। पैराथायरॉइड हार्मोन जब काम करता है वो कैल्शियम को बढ़ा देता है, फॉस्फेट को निकाल देता है, हाँ या ना? yes, sir. तो इसलिए क्या होता है, देखो इसलिए प्रॉब्लम क्या आता है कि दोनों अपोजिट जा रहे हैं। जब कैल्शियम बढ़ता है फॉस्फेट कम होता है, जब फॉस्फेट बढ़ता है कैल्शियम कम होता है। तो ये किसका रीजन है? ये सारे पैराथायरॉइड हार्मोन का काम है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये आता है फर्स्ट रीजन कि दोनों क्यों अपोजिट जा रहे हैं। फर्स्ट रीजन ये आ गया, फर्स्ट रीजन जिसके वजह से क्या होगा, फॉस्फेट एंड कैल्शियम दोनों अपोजिट जाएंगे। अभी सेकंड रीजन के बारे में बात करेंगे, सेकंड रीजन जिसके वजह से फॉस्फेट एंड कैल्शियम दोनों अपोजिट जाएंगे, क्यों जाएंगे वो सेकंड रीजन के वजह से देख लेते हैं। वो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, दोनों अपोजिट जा सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, अभी हमारे ब्लड के अंदर फॉस्फेट सपोज मान लेते हैं, फॉस्फेट है। फॉस्फेट क्या करता है, जैसे ही फॉस्फेट लेवल सेल से आके ब्लड के अंदर घुस गया, ब्लड के अंदर फॉस्फेट क्या करता है, कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है और बनाता क्या है कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। समझ रहे हो या नहीं? जो कि एक सॉल्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट एक सॉल्ट है जो कि कैसे बनता है, फॉस्फेट एंड कैल्शियम को लेके। इसका अगर फॉर्मूला बात करें तो Ca3PO42 आता है। तो ये आता है फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि फॉस्फेट एंड कैल्शियम दोनों को मिला के कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। लेट्स से सपोज मानते हैं कि हमारा बॉडी के अंदर क्या हुआ, कैल्शियम बढ़ गया। सपोज मानते हैं कि कैल्शियम अगर बढ़ गया तो क्या होना चाहिए, अभी फॉस्फेट क्या होगा बताओ? फॉस्फेट यूटिलाइज होगा ये कैल्शियम को सारे क्या करने के लिए, बाइंड करने के लिए, हाँ या ना? फॉस्फेट बाइंड करने के लिए कैल्शियम को बाइंड करने के लिए फॉस्फेट यूज हो जाएंगे, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अगर ये सॉल्ट बनने के लिए यूज हो रहे हैं,
तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, ये फॉस्फेट एंड कैल्शियम दोनों यूज होंगे, तो अभी क्या होगा बताओ, अभी क्या होगा, कैल्शियम तो बढ़ेगा, कैल्शियम तो है पर फॉस्फेट कम हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, कैल्शियम तो बढ़ा हुआ है लेकिन फॉस्फेट कम हो जाएगा, हाँ या ना। सपोज मैंने बताया था ना, कैल्शियम अगर बढ़ गया तो फिर क्या होगा, फॉस्फेट उसको यूटिलाइज करने के लिए कैल्शियम फॉस्फेट बना लेगा, लेकिन फॉस्फेट अल्टीमेटली कम होगा, कैल्शियम क्या होगा, बढ़ा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। सेकेंड रीजन की वजह से, समझ रही हो, ये सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों अपोजिट जा सकते हैं, समझ रहे हो। अभी बात करेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया का क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं या रीजन हो सकते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया इटियोलॉजी या कॉजेस, क्या 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 कॉजेस हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है क्या क्या कॉजेस होते हैं। नंबर वन बात करेंगे इंटेक के बारे में, हाँ मैं इंटेक के बारे में बात करते हैं, इंटेक अगर इंटेक कम होगा, डिक्रीज इंटेक विल लीड टू हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाँ या ना, जैसे कि माल न्यूट्रिशन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, डिक्रीज इंटेक के वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, स्टार्वेशन, समझ रहे हो, स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन दोनों ऐसा कंडीशन है जहां पर फॉस्फरस का या फॉस्फेट इंटेक कम हो जाता है। नंबर टू रीजन, नंबर टू अगर इंक्रीज एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन अगर ज्यादा हो रहा हो, अगर ज्यादा बाहर चले जा रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइपर पैराथायरायडिज्म, हाँ ना, हाइपर पैराथायरायडिज्म में क्या होता है, पीटीएच मैंने बताया था, पीटीएच का काम क्या होता है, पीसीटी के अंदर, पीसीटी के अंदर से क्या करता है, ये इंक्रीज कर लेता है पीओ फोर का, डिक्रीज कर लेता है, डिक्रीज पीओ फोर रीअब्जॉर्प्शन, हाँ या ना, तो इसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज एक्सक्रिएशन, हाँ या ना, एक्सक्रिएशन बढ़ जाएगा, हाँ या ना, अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर एक्सक्रिएशन बढ़ जाएगा, तो पीटीएच जैसे ही बढ़ेगा वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल में पोटासियम का रीअब्जॉर्प्शन को कम करके एक्सक्रिएशन बढ़ा देगा, जिसके वजह से क्या होगा, जैसे एक्सक्रिएशन बढ़ेगा हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा, हाँ या ना, समझ रहे हो, अभी समझ में आ गया, ये हाइपर पैराथायरायडिज्म की वजह से ये इंक्रीज एक्सक्रिएशन होगा और हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है पॉसिबल, हाँ या ना। नंबर टू, नंबर टू रीजन मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी जैसे कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, आई मीन ये हाइप नॉट ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ये मैलिग्नेंसी, कुछ मैलिग्नेंसी होते हैं जहां पर हाइपोफॉस्फेटेमिया पॉसिबल है। नंबर थर्ड जैसे कि एंटासिड, बेसिकली एंटासिड क्या काम करेगा, जैसे कि अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट याद रखो, जो एंटासिड है अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो फॉस्फेट बाइंडर होता है, मतलब फॉस्फेट को जाके बाइंड कर लेता है, तो फ्री फॉस्फेट मिलता नहीं है। सपोज मान लेते हैं ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ये सारे पीओ फॉस्फेट है, ठीक है, तो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेता है, ये फॉस्फेट को जाके क्या करता है, बाइंड कर लेता है, तो बाइंड करने पर क्या होगा, ये फॉस्फेट जो फ्री फॉस्फेट होता है वो फ्री फॉस्फेट अवेलेबल नहीं होगा, हाँ या ना, समझ रहे हो। मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा एक रीजन एक्चुअली फॉस्फेट, मतलब ये रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ब्लड के अंदर से नहीं, ये ज्यादातर इंटेस्टाइन के अंदर से ही बाइंड करता है, समझ रहे हो, याद रखो इंटेस्टाइन के अंदर से ही बाइंड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला आ गया इंटेस्टाइन, हम कुछ फूड खा लिए, अगर फूड खा लिए, फूड के अंदर क्या है, फॉस्फेट है, फूड के अंदर से फॉस्फेट निकल गया, अभी अगर उसके साथ हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो एंटासिड खा लिए, खाने से पहले कुछ एंटासिड खा लिए थे 5-10 मिनट पहले, जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अभी हमारा इंटेस्टाइन के अंदर या स्टोमा के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद फूड क्या है, फॉस्फेट, मतलब रिच फूड, अभी फॉस्फेट जैसे ही इंटेस्टाइन या स्टोमा के अंदर पहुंच जाता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो पहले से खाए थे वो दोनों मिल जाएंगे, अगर मिल जाएगा ये तो बड़ा वाला पार्टिकल करेगा और इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर, हाँ या ना, तो अब्जॉर्प्शन को ये रोक लेता है, कौन सा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हो या नहीं? यस सर। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है,
this decreases absorption of phosphate, decreases absorption of phosphate. कहाँ से? Intestine से, food से, समझ रहे हो? Decrease phosphate reabsorbs, I mean absorption from food. Decrease phosphate absorption, absorption from intestine बोल सकते हो. Intestine से ये phosphate absorption को कम कर लेता है. हाँ या ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया कुछ? नंबर थर्ड जो रीजन होगा वो इंट्रासेलुलर शिफ्ट. इंट्रासेलुलर शिफ्ट कौन सा केस में इंट्रासेलुलर शिफ्ट होता है भाई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इंट्रासेलुलर शिफ्ट के बारे में. यस सर. क्या बताया था? जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. हाँ या ना? यस सर. जब इंट्रासेलुलर शिफ्ट होता है, मेटाबॉलिज्म कब बढ़ेगा? जैसे कि जब अगर हम ज्यादा ग्लूकोज खा लिए, हाइपरग्लाइसेमिया. हाँ या ना? हाइपरग्लाइसेमिया के केस में अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया तो वो वाला केस में क्या होगा? इंट्रा मतलब ये डायबिटिक मेलिटस मत समझ लो, ये हाइपरग्लाइसेमिया मतलब हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाता है तो मतलब एक नॉर्मल पर्सन में तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और इंट्रासेलुलर शिफ्ट होगा. हाँ या ना? हाँ या ना? नंबर टू, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. रेस्पिरेटोरी अल्कलोसिस मतलब ये दोनों केस में अल्कलोसिस इंपोर्टेंट, याद रखो. अल्कलोसिस में क्या आता है? पीएच बढ़ जाता है. हाँ या ना? पीएच बढ़ जाता है. हाँ या ना? जल्दी बताओ. अभी के लिए याद रखो पहले कॉजेस, मैं बताऊंगा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होता है. कॉजेस के बारे में देख लेते हैं. डिक्रीज इनटेक कौन सा केस में? हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा अगर इनटेक कम होगा फॉस्फरस का, जैसे कि कोई माल न्यूट्रिशन वाला हो गया, स्टार्वेशन हो गया, वो केस में हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है. समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर. नंबर टू, अगर एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा हो. एक्सक्रीशन कौन सा केस में? जैसे कि हाइपर पैराथायरायडिज्म, कुछ मैलिग्नेंसी एंड एंटासिड. हाइपर पैराथायरायडिज्म केस में क्या आता है? जहां पर पीटीएस लेवल क्या करता है? रीअब्सॉर्प्शन रोक लेता है फॉस्फेट का. और एंटासिड क्या करता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये डिक्रीज कर लेता है अब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन से. तो स्टूल के अंदर से फॉस्फेट जहां ज्यादा एक्सक्रीशन होगा. हाइपर पैराथायरायडिज्म की वजह से यूरिन में एक्सक्रीशन होगा, लेकिन ये एंटासिड की वजह से स्टूल में से क्या होगा? एक्सक्रीशन ज्यादा होगा. समझ रहे हो? अब इंट्रासेलुलर शिफ्ट मतलब क्या आता है? जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तब ब्लड से फॉस्फेट लेवल फॉस्फेट जाके सेल के अंदर एटीपी बनाने के लिए यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि हाइपरग्लाइसेमिया एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. समझ रहे हो यहां तक? समझ रहे हो यहां तक? यस सर. कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? नो सर. नहीं, चलो फिर अभी बात करेंगे स्टार्वेशन के बारे में. इंपॉर्टेंट बात स्टार्वेशन के बारे में. नंबर टू बात करेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के बारे में. ये स्टार्वेशन रिलेटेड एक डिजीज है, नाम है रीफीडिंग सिंड्रोम. रीफीडिंग सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं. स्टार्वेशन रिलेटेड डिजीज मतलब बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम. रीफीडिंग सिंड्रोम, तो रीफीडिंग सिंड्रोम के बारे में पहले बात करेंगे, फिर अल्कलोसिस के बारे में बात करेंगे वो कैसे हाइपोफॉस्फेटेमिया करता है. रीफीडिंग सिंड्रोम के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर लिए हैं. रीफीडिंग मतलब क्या समझ में आता है? रीफीडिंग मतलब क्या? फिर से फीडिंग करना. फीडिंग अगेन. हाँ या ना? फिर से फीडिंग देना. हाँ या ना? जल्दी बताओ. यस सर. फीडिंग अगेन. तो फीडिंग अगेन मतलब क्या था? मतलब इसके बारे में एक स्टोरी है. स्टोरी ऐसा है कि मतलब पहले जब मतलब कुछ ऐसे वार चलता था, वर्ल्ड वॉर टू का टाइम है. वर्ल्ड वॉर टू का टाइम है जहां पर बहुत सारे प्रिजनर थे. प्रिजनर समझते हो? तो जहां पर बंदी बना लिए सारे लोगों को, जो आर्मी थे वो आर्मी को मान लेते हैं, या जो मतलब वार में इन्वॉल्व थे उनको बंदी बना लिए. बंदी बनाने के बाद जो प्रिजनर्स को, याद रखो प्रिजनर्स को खाने के लिए तो अच्छा से नहीं मिलता था. मिलता था क्या प्रिजनर्स को खाने के लिए? अच्छा मिलता है क्या? नहीं मिलता है. तो उनको, और ये ज्यादातर क्या होते हैं? स्टार्वेशन में रहते हैं. हाँ या ना? प्रिजनर्स को अच्छे से खाना नहीं मिला तो स्टार्वेशन हो गया. अब इस स्टार्वेशन के वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर जितने सारे ग्लूकोज होंगे वो ग्लूकोज तो यूटिलाइज हो जाएंगे. ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया, ग्लूकोज कम हो गया. अभी एनर्जी बनाने के लिए ये प्रिजनर्स के अंदर यूटिलाइज क्या होगा? फिर ग्लूकोज तो कम हो गया, अभी यूटिलाइज क्या होगा बताओ? दूसरा फॉस्फेट. नहीं, फॉस्फेट कैसे बताओ? एनर्जी बनाने के लिए क्या यूटिलाइज होगा? फैट एंड प्रोटीन.
तो एनर्जी बनाने के लिए क्या यूटिलाइज होगा? फैट एंड प्रोटीन यूटिलाइज होगा. स्टार्वेशन के टाइम हम जब फास्टिंग करते हैं ना, तो हम तो ग्लूकोज नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, तब क्या होता है? फैट एंड प्रोटीन यूटिलाइज होते हैं, हाँ या ना, एनर्जी बनाने के लिए. तभी जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स को अच्छा से खाना नहीं मिलता था, उनको स्टार्वेशन हो गया. अभी स्टार्वेशन की वजह से खाना जब नहीं मिला, तो फिर ग्लूकोज कम हो गया उनके बॉडी में, और एनर्जी बनाने के लिए बॉडी क्या किया, दूसरा सोर्स ढूंढने लगा, क्या? फैट एंड प्रोटीन. समझ रही हो नहीं? Yes, sir. चलो अभी ऐसा बहुत दिन चला. अभी नेक्स्ट जब ये छुटकारा मिला प्रिजनर से, जब ये फ्रीडम मिला उनको, फ्रीडम के बाद वो क्या किए, जब फ्रीडम मिला तब ये क्या किया, ग्लूकोज खाने लगे, इंक्रीज ग्लूकोज इंटेक, हाँ या ना, ग्लूकोज इंटेक अभी बढ़ा, हाँ या ना, जल्दी बताओ. Yes, समझ रहे हो? अभी यहाँ पर इसको बोलते हैं रीफीडिंग. अभी फीडिंग दोबारा हम दे रहे हैं, बीच में क्या था, फास्टिंग था, स्टार्वेशन था. समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो? Yes, ये था स्टार्वेशन का पीरियड. ये स्टार्वेशन का पीरियड, पहले वो खाते थे, बीच में स्टार्वेशन आ गया, अभी दोबारा फ्रीडम मिलने के बाद वो क्या किया गया, रीफीडिंग, अभी जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ने पर क्या होगा, एटीपी बनेगा, हाँ या ना. अभी एटीपी बनने के लिए क्या होगा, इंट्रासेलुलर फास्फेट तो यूटिलाइज हो जाएंगे, ब्लड के अंदर से भी आएगा. रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाँ या ना. तो रीफीडिंग सिंड्रोम में एक इंपॉर्टेंट है, याद रखो, स्टार्वेशन रिलेटेड रीफीडिंग सिंड्रोम, जहां पर क्या होता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है. समझ में आ गया कुछ यहाँ पर? यस सर. समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बात करेंगे अभी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस के बारे में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, मतलब ये सारे अल्कालोसिस के अंदर होता है, नॉट ओनली रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस. अल्कालोसिस के बारे में बात करते हैं, तो अल्कालोसिस मतलब मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, दो तो कंडीशन होता है ना, आया ना. एक आता है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, और दूसरा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस. अभी दोनों के बीच में से अगर कंपैरिजन किया जाए, तो फिर ज्यादा हाइपोफॉस्फेटेमिया दोनों में होता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया दोनों में होता है, लेकिन पल्ला थोड़ा भारी है किसका, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस का. समझ रहे हो? ये थोड़ा भारी है, मतलब अल्कालोसिस में ज्यादा हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है एज कंपेयर टू मेटाबोलिक अल्कालोसिस. समझ रहे हो? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में ज्यादा होता है, हाँ या ना. समझ रही हो नहीं? समझ रही है नहीं? यस सर. हाइपोफॉस्फेटेमिया किसमें ज्यादा होगा? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस. अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछेगा, कि हाइपोफॉस्फेटेमिया कौन सा केस में होता है, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबोलिक एसिडोसिस, नॉन ऑफ द अबव. तो आंसर क्या होना चाहिए, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस. समझ रहे हो? अभी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस मतलब क्या आता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बताओ. कम हो जाएगा, बॉडी कम हो जाएगी, पीछे का लेवल बढ़ जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है, हाँ या ना, एसिड है. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडोसिस, कम होगा तो क्या होगा, अल्कालोसिस. समझ रहे हो? सिंपल सा है. अभी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही कम होगा, ये रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुआ, पीएच क्या होगा, यहाँ पे पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, हाँ या ना. 7.35, हाँ या ना. यस सर. 7.45 ही लेते हैं, 7.35, हाँ या ना. अल्कालोसिस क्या होगा, जहां पर पीएच 7.45 से ज्यादा होगा, तभी बोल दिया हम लोग क्या, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस. अभी समझ में आ गया, या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है, नॉर्मल रेंज 35 to 45 mmHg. कम होगा तो क्या बोलेंगे, PCO2 का लेवल लेस देन 35 mmHg होगा, हाँ या ना. यस सर. हाँ या ना. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, पीएच बढ़ गया,
अब ये आ गया रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अभी ये अल्कलोसिस को कंपेंसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगा, कंपेंसेशन मैकेनिज्म। अभी बात करेंगे कंपेंसेशन मैकेनिज्म, कंपेंसेशन कैसा होगा, मेटाबॉलिक कंपेंसेशन बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ेगा। नंबर टू ऐसा भी हो सकता है क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं, कैसे, बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म। अगेन मेटाबॉलिज्म क्यों, जैसे हम पता है अगर हम कार्बन खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन तो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और इसके बारे में अगर बात करें तो यूटिलाइज होगा ऑक्सीजन बनाने के लिए, क्या एनर्जी बनाएगा और इसके साथ बनाएगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म तो हेल्प कर सकता है, है ना। तो इसलिए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और अल्टीमेटली फॉस्फेट लेवल कम होगा, है ना, समझ रहे हो। अभी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने का रीजन क्या हो सकता है, टू कंपेंसेट द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने पीएच को मेंटेन करें। तो ये पीएच को मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएगा कैसे, बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है क्या, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या करता है, दिस विल लीड टू हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो अभी बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। हाइपोफॉस्फेटेमिया तो ये खत्म हो जाएगा 5-10 मिनट के अंदर हाइपोफॉस्फेटेमिया के बारे में, और देन हाइपरफॉस्फेटेमिया बात करेंगे, ये बहुत कम टाइम में हाइपरफॉस्फेटेमिया खत्म हो जाएगा, और फिर एमसीक्यू बात करेंगे हम लोग। हाइपोफॉस्फेटेमिया के बारे में बात करते हैं, क्लिनिकल फीचर इसका क्या क्या होगा। नंबर वन क्लिनिकल फीचर कार्डियोवास्कुलर, बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स क्या क्या होगा। कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स बात करें तो कार्डियोवास्कुलर, जो भी हैंड रेस कर रहे हो थोड़ा एक दो मिनट वेट कर लो। कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स क्या क्या होता है, डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर हार्ट का कंट्रैक्शन कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, एंड यहां पे और क्या हो सकता है, स्लो पेरिफेरल पल्स, स्लो पेरिफेरल पल्स, समझ रहे हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मसल कंट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, एमएलसी के मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फेट, हाँ या ना, हाँ या ना, बताया था थोड़ी देर पहले, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। चलो अभी MLCK का काम क्या होगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज का, ये मसल कंट्रैक्शन करता है, हाँ या ना। यस सर। अभी मसल कंट्रैक्शन करने के लिए MLCK चाहिए और MLCK को एक्टिवेट करने के लिए फॉस्फेट चाहिए, समझ रहे हो। अगर हाइपोफॉस्फेटेमिया है तो MLCK एक्टिवेट नहीं होगा, मसल कंट्रैक्शन कम होगा, वही तो होता है डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट एंड देन कार्डियक आउटपुट कम होगा, स्लो पेरिफेरल पल्स होगा। तो ये सिंपल कैसे हाइपोफॉस्फेटेमिया स्लो कंट्रैक्टिलिटी एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट करता है। सो दिस आर कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स। नंबर टू बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या क्या पॉसिबल है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ये होगा स्लो एंड शैलो रेस्पिरेशन, शैलो रेस्पिरेशन मतलब रैपिड रेस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है। नंबर थर्ड न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, वीकनेस, याद रखो वीकनेस होगा मसल वीकनेस होगा। नंबर वन। नंबर टू डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। नंबर थर्ड
very important. Rhabdomyolysis मतलब क्या आता है? Myolysis मतलब क्या आता है? Breakdown of muscle. Breakdown. याद रखो, मायो मतलब क्या आता है? Myolysis. Rhabdomyolysis मतलब क्या आता है? Breakdown of muscle. Breakdown of muscle is called rhabdomyolysis. समझ रहे हो? Rhabdomyolysis. Myo मतलब क्या आता है? Muscle. Muscle. And lysis मतलब क्या आता है? Breakdown. Breakdown. समझ रहे हो? तो rhabdomyolysis मतलब क्या आता है? Breakdown of muscle. Muscle सारे क्या होगा? Breakdown होगा, fiber निकल के ब्लड के अंदर बढ़ेंगे. समझ रहे हो? अभी आता है neuromuscular features के बारे में. नेक्स्ट बात करेंगे CNS में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ सकता है? नंबर वन सीजर पॉसिबल है. नंबर टू इरिटेबिलिटी. नंबर थर्ड कंफ्यूजन. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे बोन के अंदर या स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है. स्केलेटल फीचर में क्या होगा सिम्टम में? डिक्रीज बोन डेंसिटी. डेंसिटी कम होगा. हाँ या ना? क्यों? बोन बनाने के लिए चाहिए. तो अभी बोन डेंसिटी अगर कम होगा तो बोन क्या होगा? वीक बोन. हाँ या ना? वीक बोन. एंड देन क्या होगा? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा. हाँ या ना? तो फ्रैक्चर होगा. ये आ गया नंबर वन. नंबर टू फीचर क्या हो सकता है? नंबर टू ये हो सकता है ऑस्टियोमालेसिया. नंबर थर्ड और क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस. एंड देन नंबर फोर रिकेट्स. ये सारे स्केलेटल सिस्टम का अबनॉर्मलिटी होगा अगर फास्फोरस लेवल कम होगा तो. समझ रहे हो? Yes, sir. तो याद रहे क्लिनिकल फीचर्स के अंदर. अभी नेक्स्ट बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में. हाइपोफॉस्फेटेमिया हमें क्या देना है? फास्फेट लेवल कम हो गया. हाँ या ना? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया तो हमें क्या देना चाहिए? फास्फेट को रिप्लेस करना चाहिए. हाँ या ना? सर यस सर आरएक्स क्या आपने? आरएक्स मतलब ट्रीटमेंट. ठीक है. ट्रीटमेंट क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल और आईवी फास्फोरस. या फास्फेट लिख देते हैं, यहाँ पे इजी रहेगा. ठीक है. ओरल और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फास्फोरस. समझ रहे हो? प्लस इनके साथ हमें क्या देना चाहिए? विटामिन डी. क्यों देंगे विटामिन डी? कौन बताएगा? हेल्थ इन अब्सॉर्प्शन ऑफ फास्फेट एज वेल एज एंड कैल्शियम. समझ रहे हो? विटामिन डी जब हम देते हैं फास्फोरस या किसी को कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं तो इसके साथ क्या देना चाहिए? विटामिन डी देना चाहिए. Yes, बात करेंगे जब हम फास्फोरस देते हैं एडमिनिस्टर करते हैं या ट्रीटमेंट टैबलेट आईवी जो भी हम देते हैं उससे पहले किडनी फंक्शन टेस्ट कर देना चाहिए. केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट कर देना चाहिए. क्यों कर देना चाहिए भाई? क्यों करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट? क्योंकि हमें पता है एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं. वेरी गुड. यहाँ पे फास्फोरस जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है? पीसीटी में. पीसीटी समझ रहे हो? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटल ट्यूब से या पीसीटी से क्या होता है? पीटीएच काम पर फास्फोरस होता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है. अगर रीअब्जॉर्प्शन भी हो क्या रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है? क्या रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसलिए एक्सक्रीशन ज्यादा होती है. तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें पहले चेक करना नेक्स्ट बात करेंगे जब भी हम देते हैं फास्फोरस खाने के लिए देते हैं तो फिर
हमें क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज फॉस्फोरस पीओ फोर फॉस्फेट रिच फूड, फॉस्फेट रिच फूड को क्या देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए एंड डिक्रीज कैल्सियम रिच फूड। समझ रहे हो, कैल्सियम रिच फूड को कम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई, क्यों देना चाहिए जल्दी बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्जर्शन होगा और कैल्शियम रिच फूड को थोड़ा कम देंगे तो कैल्शियम क्या होगा, कम ऑब्जर्शन होगा, अब्जर्शन कम आया होगा। समझ रहे हो, तो जैसे ही कैल्शियम कम होगा ब्लड में फॉस्फेट बढ़ेगा, समझ रहे हो, ये है क्योंकि कैल्शियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉस्फेट, इसलिए हम क्या करते हैं फॉस्फेट रिच फूड ज्यादा देंगे कैल्शियम रिच फूड को कम देंगे, समझ रहे हो। प्लीज म्यूट रखो अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज है तो, समझ में आ गया या डाउट है जल्दी बताओ। नो सर, नो सर, डाउट नहीं। नेक्स्ट हम मॉनिटर करेंगे, अगर तो ट्रीटमेंट हमें मॉनिटर करना चाहिए कि पेशेंट का फ्रैक्चर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है या नहीं है, तो क्या मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर साइंस ऑफ, साइंस ऑफ पैथोलॉजिकल, साइंस ऑफ पैथोलॉजिकल, साइंस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का साइंस देखो, अगर थोड़ा भी बोन पेन वगैरह कुछ भी हो रहा है देन एडवाइस करना स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, समझ रहे हो, स्लो मूवमेंट के लिए अलाउ, समझ रहे हो, रैपिड मूवमेंट या थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, समझ रहे हो, ये सारे होता है ट्रीटमेंट के बारे में। अभी बात करेंगे हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया के बारे में, हाइपर यहाँ तक कोई डाउट, नो सर, नो सर। सर आपने अभी कहा ना कि कैल्शियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर कैल्शियम ज्यादा होने से, अभी आपने कहा ना कि फॉस्फेट रिच फूड एंड कैल्शियम रिच फूड, तो कैल्शियम ज्यादा होने से तो फॉस्फेट लेवल कम होगा ना, क्या बोला, बॉडी पे इंक्रीज कैल्शियम रिच फूड, इंक्रीज फॉस्फेट रिच फूड एंड डिक्रीज कैल्शियम रिच फूड, हाँ मतलब, वही आपने बोला, हाँ हाँ मतलब कैल्शियम रिच फूड को कम खाना, हाँ अगर कैल्शियम रिच, हाँ वो तो मैं समझ गई, अगर कैल्शियम रिच फूड ज्यादा खाए तो सर कुछ फॉस्फेट कम होगा, मतलब फॉस्फेट कम होगा, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे अभी हाइपरफॉस्फेटेमिया के बारे में, ठीक है, हाइपरफॉस्फेटेमिया के बारे में बात करते हैं, जहां पर हाइपरफॉस्फेटेमिया को कब बोलते हैं, जब सीरम फॉस्फेट लेवल, सीरम फॉस्फेट लेवल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 mg/dL, अगर होगा तो बोलेंगे हाइपरफॉस्फेटेमिया, हां या नो, रीजन क्या हो सकता है, इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और मैं इसका कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तुम्हें बोलना है ये इटियोलॉजी क्यों हाइपरफॉस्फेटेमिया कराता है। नंबर 1 डिक्रीज रेनल एक्सक्रिएशन, डिक्रीज रेनल रेनल एक्सक्रिएशन, हाँ या ना, ये करा सकता है या नहीं करा सकता हाइपरफॉस्फेटेमिया, समझ रहे हो। नंबर 2, नंबर 2 इंक्रीज इनटेक, इंक्रीज इनटेक करा सकता है हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाँ या ना। नंबर 3 हाइपो हाइपोपैराथायरायडिज्म, हाइपोपैराथायरायडिज्म, हाँ ये कैसे करा सकते हैं बताओ, ये क्या करेगा, अभी पीसीटी के बारे में मैंने बताया था, पीटीएच का काम कहां पर है, पीटीएच का काम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल पर है, हाँ या ना, पैराथायराइड हार्मोन का, पीसीटी का काम ये कराता क्या है, पीटीएच डिक्रीज कर लेता है कैल्शियम ऑब्जर्व, आई मीन पोटेशियम रिअब्जॉर्प्शन को, अगर कम होगा पीटीएच, पीटीएच अगर कम होगा तो रिअब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा, रिअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हाँ, तो क्या होगा हाइपरफॉस्फेटेमिया, ये मैकेनिज्म समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटीएच के बारे में, पैराथायराइड हार्मोन हाइपर केस में हाइपर पैराथायराइडिज्म इंपॉर्टेंट याद रखो, हाइपर पीटीएच विल लीड टू हाइपोफॉस्फेटेमिया, डिक्रीज फॉस्फेट लेवल, हाँ या ना, जब हाइपो होगा hypo PTH will increase phosphate level, हाँ या ना, समझ रहे हो,
तो हाइपोपैराथायरायडिज्म विल लीड टू हाइपरफॉस्फेटेमिया, समझ रहे हो? यस सर। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड आ गया हाइपोपैराथायरायडिज्म। नंबर फोर, नंबर फोर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है। ये एग्जाम में कई बार ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के बारे में पूछा है, और ये पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल इधर उधर होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का? हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है? ट्यूमर मतलब समझ में आता है, लाइसिस मतलब क्या होता है बताओ? ब्रेकडाउन। सपोज मान लेते हैं कोई पर्सन है, नाम है एक्स, समझ रहे हो? एक्स पर्सन कोई नाम है, एक्स एक पर्सन का नाम है जिसको क्या हुआ है? ट्यूमर हुआ है, समझ रहे हो? अभी ट्यूमर के लिए जो ट्रीटमेंट चलेगा वो ट्रीटमेंट क्या होगा बताओ? केमो। हाँ या ना? अभी केमोथेरेपी के वजह से क्या होगा, ये ट्यूमर का क्या होगा, सेल्स, ट्यूमर सेल्स क्या होगा, डेथ होगा, डेथ ऑफ ट्यूमर सेल्स। हाँ या ना? होगा या नहीं होगा बताओ? यस सर, यस। अभी ट्यूमर सेल डेथ होगा तो क्या होगा, सेल के अंदर से सेल विल रिलीज रिलीज ऑल इट्स इंट्रासेलुलर मटेरियल। हाँ या ना? रिलीज इंट्रासेलुलर मटेरियल, इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स। हाँ या ना? तो इंट्रासेलुलर मटेरियल जो था वो क्या था, फॉस्फेट भी था इसके अंदर, सेल के अंदर फॉस्फेट, तो फॉस्फेट मतलब मेन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो फॉस्फेट तो होता है या आयन होता है, वो क्या होता है, फॉस्फेट तो होता है सेल के अंदर। अभी जैसे ही सेल क्या हुआ, डैमेज हुआ, सेल क्या हुआ, डेथ हुआ, वो सेल के अंदर से फॉस्फेट सारे बाहर आएंगे। हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, समझ आ रहा है। यस सर, कॉम्प्लिकेशन है तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ केमोथेरेपी ट्रीटमेंट या कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट का एक कॉम्प्लिकेशन है, क्या है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब ट्यूमर सेल्स डेथ होता है तो ट्यूमर सेल्स सारे सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो आयन होते हैं, वो सारे निकाल देते हैं बाहर, एक्सपोज कर लेते हैं, समझ रही हो? अभी बाहर जैसे ही आएगा क्या होगा, फॉस्फेट लेवल तो हमें पता है सेल के अंदर, तो मतलब ज्यादा ये तो इंट्रासेलुलर आयन है, इंट्रासेलुलर होता है, तो अभी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में फॉस्फेट लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes. किसको डाउट है? No, sir. चलो बताऊंगा कि हाइपर फॉस्फेटेमिया केस में कैल्शियम लेवल क्या हो सकता है। हमारा कंडीशन है हाइपर फॉस्फेटेमिया, हाइपर फॉस्फेटेमिया, ये वाला केस में कैल्शियम लेवल क्या हो सकता है बताओ? कोई पेशेंट को हाइपर फॉस्फेटेमिया है तो कैल्शियम लेवल क्या होगा इसका? कैल्शियम लेवल उसका कम होगा, तो क्या होगा, हाइपोकैल्शियमिया होगा। हाँ या ना? हाइपोकैल्शियमिया होगा। हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अभी हाइपोकैल्शियमिया और बाकी सारे क्यों म्यूट हो, मतलब पढ़ने के लिए मन नहीं है या मोबाइल ऑन करके फिर सो गए? सुन रही हो नहीं सुन रही? यस सर, बोल, आंसर भी दे दे। के लिए पूछ रहा हूँ, मतलब सारे हो या मतलब कहाँ पे हो? चलो हाइपोकैल्शियमिया के बारे में बात करेंगे, मतलब अगर किसी को हाइपर फॉस्फेटेमिया है तो फिर क्या हो सकता है, हाइपोकैल्शियमिया। अभी अगर क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि हाइपर फॉस्फेटेमिया में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होगा, क्या वो सिमिलर टू हाइपोकैल्शियमिया नहीं होगा? नो सर, हाँ, क्योंकि फास्फोरस ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा होगा लेकिन साथ में क्या होगा, कैल्शियम लेवल तो कम ही होगा ना। हाँ हाँ, कम। तो अगर कम होगा तो सारे क्लिनिकल फीचर्स हाइपोकैल्शियमिया के हाइपोफॉस्फेटेमिया में दिखाई देगा। हाँ या ना? हाँ, यस सर, यस सर। तो लॉन्ग
हाइपोकैल्सिमिया, हाँ या ना? अभी हाइपोकैल्सिमिया में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो देखना पड़ेगा, क्या क्या होता है? टेटानी होगा, हाँ या ना? टेटानी, जहां पर कैल्शियम लेवल कितना से कम होने पर टेटानी होता है, कौन बताएगा? अगर पढ़ रहे हो ना तो ये तो आंसर देना चाहिए था। Less than 7.5 mg per deciliter. Very good. टेटानी तब होता है जहां पर 7.5 mg per deciliter से अगर कम होगा कैल्शियम लेवल, तो फिर क्या होगा? टेटानी होगा, हाँ या ना? नंबर टू, हाइपोकैल्शियमिया का और क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? सीजर्स होगा, हाँ या ना? नंबर थर्ड, और क्या होता है? यस सर, प्रोसेस साइन होगा, प्रोसेस साइन, हाँ या ना? नंबर फोर, टॉक्सिक साइंस होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। नंबर फाइव, नंबर फाइव और क्या हो सकता है? पैरास्टेसिया, पैरास्टेसिया, स्टेसिया अराउंड फिंगर्स, फिंगर के चारों तरफ क्या हो सकता है? पैरास्टेसिया, हाँ या ना? ये सारे पॉसिबल। नंबर सिक्स, मसल क्रम्पिंग, मसल क्रम्पिंग भी हो सकता है। तो ये सारे कैल्शियम के फीचर्स हाइपरफॉस्फेटेमिया में दिखाई देगा, समझ रहे हो या नहीं? यस सर, यस सर। ट्रीटमेंट सर, एक डाउट है। यस सर, हाइपोफॉस्फेटेमिया में कैल्शियम लेवल तो ज्यादा होगा ना? हाँ, तो हाइपरकैल्शियमिया का क्लिनिकल फीचर दिखाई देगा वहाँ पे। हाँ, तो उसमें बोन डेंसिटी कैसे डिक्रीज्ड होता है? देखो यहाँ पे ना, बोन डेंसिटी कम है, फास्फोरस कम है, समझ रहे हो? इसलिए सिर्फ कैल्शियम बोन बनाने के लिए दोनों यूज होते हैं। हाँ सर, कैल्शियम भी चाहिए। नहीं सर, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं हाइपरफॉस्फेटेमिया का, तो यहाँ पे मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले ट्रीटमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्शियमिया, हाँ या ना? हाइपोकैल्शियमिया का मैनेजमेंट होगा जैसे मैंने बताया था। और दूसरा, यहाँ पे फॉस्फेट बाइंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फेट बाइंडर्स यूज किया जाता है। फॉस्फेट बाइंडर्स, फॉस्फेट बाइंडर्स मतलब क्या होता है? सपोज मान लेते हैं ये वाला इंटेस्टाइन है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंटेस्टाइन के अंदर ये हम फूड, कुछ खाना खा लिए, ठीक है, फूड खाने के बाद तो फॉस्फेट होता है खाने के अंदर, हाँ या ना? हाँ या ना? फूड से फॉस्फेट होता है। अभी अगर हम फॉस्फेट बाइंडर को मैं पीबी लिखता हूँ, पीबी लिखता हूँ, फॉस्फेट बाइंडर, पीबी मतलब फॉस्फेट बाइंडर, ये हम खा लिए, एक ड्रॉप है वो ड्रॉप को हम खा लिए, वो अभी पीबी फॉस्फेट बाइंडर कहां पर है? इंटेस्टाइन के अंदर है। ये फॉस्फेट बाइंडर का काम क्या होगा? ये फॉस्फेट को क्या करेगा, क्या करेगा? फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा, फॉस्फेट के साथ अटैच हो, ये फॉस्फेट के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, क्या? फॉस्फेट बाइंडर। अभी फॉस्फेट बाइंडर जैसे ही जुड़ जाएगा, इट विल प्रिवेंट, प्रिवेंट क्या? रीअब्जॉर्प्शन करने नहीं देगा, किसको? फॉस्फेट को, समझ रही हो? यहाँ पे ब्लड है, तो ब्लड के अंदर अभी ये फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, समझ रही हो? अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फॉस्फेट ये एक्सक्रीट हो जाएगा यहाँ से, स्टूल के अंदर से, हाँ या ना? समझ रही हो या नहीं? समझ रही हो या नहीं? हम खाना खाते, खाने के अंदर फॉस्फेट था, हम क्या किए थे? हम कुछ फॉस्फेट बाइंड, हमारे मतलब हाइपरफॉस्फेटेमिया है, तो इसीलिए फूड के अंदर जो फॉस्फेट हमें मिलता है, अब्जर्व होता है, उसको बंद करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या खाएंगे? फॉस्फेट बाइंडर खाएंगे। अभी फॉस्फेट बाइंडर जो खाते हैं, वो काम कैसे करता है? वो फॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है, और ये अब्जर्वशन जो होता है ना इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर, वो रोक लेता है। अब रोक लेगा तो क्या होगा? फॉस्फेट बाइंडर्स, अभी फॉस्फेट को रोक लेगा तो क्या होगा? एक्सक्रीट हो जाएगा फॉस्फेट, लेकिन ब्लड के अंदर अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा? समझ रहे हो?
सिंपल सा मैकेनिज्म है, समझ रहे हो या नहीं? यस चलो, तो फॉस्फेट बाइंडर का काम समझ में आ गया। फॉस्फेट बाइंडर का क्या करता है, फॉस्फेट को एक्सक्रीट कर लेता है स्टूल के अंदर, एक्सक्रीट कर लेता है स्टूल के अंदर, समझ रहे हो, और अब्सॉर्प्शन को कम कर देना। तो ये सारे फॉस्फेट का, फॉस्फेट बाइंडर का काम है। अभी फॉस्फेट बाइंडर के नाम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या क्या फॉस्फेट बाइंडर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर वन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने बात किया था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक फॉस्फेट बाइंडर है, हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है, फॉस्फेट बाइंडर जैसा काम करता है। इसका एक नाम है, ब्रांड नेम है, नाम है अम्फोजेल, अम्फोजेल, अम्फोजेल इसका नाम है, जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक ब्रांड नेम है। नंबर टू कैल्शियम एसीटेट, ये दूसरा कैल्शियम एसीटेट इसका कंपोजिशन है, कैल्शियम एसीटेट ये एक फॉस्फेट बाइंडर होगा। ये फॉस्फेट बाइंडर का काम क्या होगा, ये फॉस्फेट बाइंडर आई मीन कुछ ब्रांड नेम्स तो होंगे, ये फॉस्फेट बाइंडर का तो सेम काम होगा, फॉस्फेट को बाइंड करना, एक्सक्रीट कर देना, ब्लड के अंदर जाने ना देना। तभी अगर ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे तो वो आता है फोस्लो, याद रखो फोस्लो, फोस्लो PHOSLO, फोस्लो। नेक्स्ट फोस्लाइरा, फोस्लाइरा LYRA, फोस्लाइरा, एलिफोस, एलिफोस। तो ये आते हैं कुछ कैल्शियम एसीटेट जिनका नाम है फोस्लो, फोस्लाइरा, एलिफोस। अब अगर नेक्स्ट बात करेंगे और तीसरा फॉस्फेट बाइंडर के बारे में, वो आता है फेरिक साइट्रेट, फेरिक साइट्रेट, फेरिक साइट्रेट, और इसका जो नाम होगा वो है आयुरिक्सिया, आयुरिक्सिया, ठीक है आयुरिक्सिया। तो यह है फेरिक साइट्रेट का नाम, जो ये फॉस्फेट बाइंडर के जैसे काम करते हैं। तो क्या क्या होते हैं फॉस्फेट बाइंडर्स, एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आता है कैल्शियम एसीटेट, तीसरा फेरिक साइट्रेट। ये सारे क्या होते हैं फॉस्फेट बाइंडर्स होते हैं, ये बाइंड करने पर ये क्या करते हैं फॉस्फेट को एक्सक्रीट कर लेते हैं, दिस विल एक्सक्रीट, इंक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रिएशन। अगर एक्सक्रिएशन होगा तो फिर क्या होगा, डिक्रीज सीरम फॉस्फेट लेवल, ब्लड के अंदर फॉस्फेट लेवल क्या होगा, कम होगा। तो ये फॉस्फेट बाइंडर्स का जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा किया जाता है, हाइपर फॉस्फेटेमिया, समझ रहे हो, हाइपर फॉस्फेटेमिया, फॉस्फेट बाइंडर दिया जाएगा ताकि ये एक्सक्रीट ज्यादा और अब्सॉर्प्शन ना हो, समझ रहे हो, समझ रही हो या नहीं? यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, फूड को हम अवॉइड करेंगे, नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो होगा वो अवॉइड फॉस्फेट रिच फूड, अवॉइड फॉस्फेट, अवॉइड फॉस्फेट रिच फूड। तो फॉस्फेट रिच फूड का नाम क्या होगा, नंबर वन मैंने बताया था क्या क्या होता है, मिल्क होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, हाँ या ना, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी तुम बताओ, मैंने बताया तो कौन सा फॉस्फेट रिच फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क, होता है मिल्क, मिल्क, मीट, मीट, होता है मीट, 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 मीट। नंबर थर्ड होता है, और क्या हो सकते हैं, नट्स, सीरियल, सीरियल, समझ रहे हो। तो ये आते हैं जो कि ये क्या होता है फॉस्फेट रिच फूड होते हैं, इसको अवॉइड करना, फॉस्फेट रिच फूड होते हैं अवॉइड करना, हाइपर है तो ये सारे फूड्स को अवॉइड करना है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में, ठीक है चलो। फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू है, रेज्ड कैल्शियम एंड फास्फोरस आर सीन इन व्हिच केस, ऑप्शन ए सीआरएफ मतलब क्रोनिक रेनल फेलियर, बी विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, सी हाइपरपैराथायरायडिज्म, डी हाइपोपैराथायरायडिज्म, कौन सा केस, विटामिन डी, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, विटामिन, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, ये किस लिए करता है बताओ, दिस विल इंक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज कैल्शियम एंड फास्फोरस, फास्फोरस क्या अब्सॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन 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 बढ़ा लेता है, समझ रहे हो? हाँ। अभी नेक्स्ट बात करेंगे सीआरएफ के बारे में, क्रोनिक रेनल फेल्यूर के बारे में। अगर रेनल फेल्यूर है तो रेनल फेल्यूर में प्रॉब्लम क्या आता है? रेनल फेल्यूर फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता तो एक्सक्रीशन हो जाएगा। हाँ या मैम? हाँ। तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन होगा। वो किसी भी रेनल फेल्यूर हो तो वहां पे क्या आता है, रेनल फेल्यूर में क्या आता है, इंक्रीज कैल्शियम बट डिक्रीज फॉस्फरस। फॉस्फरस समझ रहे हो? फॉस्फरस एक्सक्रीट हो जाएंगे और कैल्शियम बढ़ जाएंगे, ऑब्जर्प्शन रीऑब्जर्प्शन हो जाएगा, समझ रहे हो? अभी बात करेंगे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के बारे में। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का इफेक्ट क्या होगा? अभी देखो कैल्शियम कैल्शियम बढ़ेगा या कम होगा बताओ पहले? कैल्शियम बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा 100%। हाँ या ना? पैराथायरॉइड पीटीएच का काम तीन तीन जगह पर होता है। कहाँ कहाँ पर? एक बोन के ऊपर, एक पीसीटी एक बोन के ऊपर, दूसरा जीआई ट्रैक्ट के ऊपर, तीसरा किडनी के ऊपर, समझ रहे हो? बोन के अंदर से क्या करता है, कैल्शियम को निकाल के छोड़ता है ब्लड के अंदर। किडनी के अंदर क्या करता है, विटामिन डी थ्री को बनाता है, विटामिन डी को थ्री ये कैल्शियम को बढ़ाता है ऑब्जर्प्शन। हाँ या ना? यस यस सर। और दूसरा डिक्रीज रीऑब्जर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ। अभी जीआई ट्रैक्ट में ये विटामिन डी थ्री फिर जीआई ट्रैक्ट में जाएगा, इंक्रीज ऑब्जर्प्शन बढ़ाएगा। मतलब ये सारे मिलके क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को बढ़ा देते हैं, ये पीटीएच का काम है। हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में क्या होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। अगर कैल्शियम बढ़ता है तो फिर फॉस्फेट का क्या होगा बताओ, कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये आता है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेज्ड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, क्या दोनों बढ़ रहे हैं? क्या नहीं बढ़ रहे ना हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में? एक बढ़ रहा है क्या, कैल्शियम बढ़ रहा है लेकिन फॉस्फेट कम हो रहा है, दोनों तो नहीं बढ़ रहा। हाँ या ना? सिमिलर अगर सीआरएफ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे भी कैल्शियम बढ़ेगा और फॉस्फेट कम होगा। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के बारे में अगर बात करें तो ये वाला केस में क्या आएगा, पीटीएच लेवल कम, कैल्शियम कम हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन ये पूछा है कि दोनों कौन सा केस में बढ़ रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा केस होगा, विटामिन डी केसेस, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ, 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 ये किसका क्वेश्चन ने बताया, आज जो तुम सॉल्व किए हो ये वाला क्वेश्चन, ये किस कौन सा एग्जाम में पूछा था, ये पूछा था पीजी नीट में, पीजी नीट का क्वेश्चन है। मतलब तुम नीट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो? मतलब जो एमबीबीएस कंप्लीट करके पीजी का तैयारी करते हैं उन लोगों का एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि रेज्ड कैल्शियम एंड फास्फोरस आर सीन इन व्हिच केस। मतलब तुम कौन सा लेवल का पढ़ रहे हो वो समझ लो, ठीक है? यस सर। विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन केस में कैल्शियम एंड फास्फोरस ये दोनों बढ़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 10 ईयर ओल्ड बॉय, 10 साल का एक बच्चा है, has a fracture of femur, मतलब bone fracture हुआ है femur का, biochemical evaluation revealed hemoglobin level 11.5 gram per deciliter, ये सर 18 mm per 1 hour, ये सर का है, serum calcium 12.8 mg per deciliter, serum phosphorus 2.3 mg per deciliter, alkaline phosphatase 28 Ka units and blood urea 32 mg per deciliter. Which of the following is the most probable diagnosis in his case? ये केस में कौन सा एक probable diagnosis होगा? ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक चीज पढ़ना पड़ेगा, वो है alkaline phosphatase. ठीक है? तो पहले alkaline phosphatase के बारे में 5 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर दोबारा ये क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है? यस सर। चलो
जान लेते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेटेस होता क्या है और ये कौन सा केस में बढ़ता है और कौन सा केस में कम होता है। तो पहले बात कर लेते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो फिर इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, रेफरेंस रेंज, पहले रेफरेंस रेंज ऑफ एलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज अबाउट 0.5 टू 2.0 mC/kg पर लीटर, या ऐसे बोल सकते हो 35 to 120 यूनिट पर लीटर। याद रखो 0.5 टू 20 mC/kg पर लीटर क्या आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज का रेफरेंस रेंज। अभी बात करेंगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन जानना हमें जरूरी है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस बाय ऑस्टियोब्लास्ट। याद रखो ऑस्टियोब्लास्ट, मैं और एक बार लिख देता हूं अच्छा से, हैंडराइटिंग बहुत बुरा है, मैनेज कर लो। ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज एसोसिएटेड विथ कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, बोन कैल्सिफिकेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है जब अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ेगा तब बोन का कैल्सिफिकेशन भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट बात करेंगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज का कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्कलाइन फॉस्फेटेज। मॉडरेट एलिवेशन, मॉडरेट इंक्रीज इन एएलपी, एएलपी अगर मॉडरेट लेवल का बढ़ रहा है इसका मतलब अगर 2 to 3 times बढ़ गया, 2 to 3 times अगर बढ़ गया इसका मतलब क्या है? अगर 2 to 3 times अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा है तो फिर इसका मतलब है कोई हेपाटिक डिजीज है, हेपाटिक डिजीज DISEASE, हेपाटिक डिजीज जैसे कि हेपाटिक कार्सिनोमा। ये वाला केस में कार्सिनोमा, ठीक है, तो ये केस में कुछ 2 to 3 times बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं मॉडरेट एलिवेशन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अगर वेरी हाई एएलपी, अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया 10 to 12 times अगर बढ़ गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा हेपाटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, मतलब ये अल्कलाइन फॉस्फेट एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि एक्स्ट्रा हेपाटिक ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बिलियरी ट्रैक में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन इन बिलियरी ट्रैक में, जहां पर लीवर से इंटेस्टाइन तक जो ट्रैक आया है बिलियरी ट्रैक, वो ट्रैक में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गॉलब्लैडर स्टोन अगर हो गया या कोलेलिथियासिस हो गया। नंबर 2 ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, नंबर 3 अगर कार्सिनोमा हेड ऑफ द पैनक्रियास में अगर कार्सिनोमा हो गया अगर हेड ऑफ द पैनक्रियास में कार्सिनोमा हो गया तो भी ये बिलियरी ट्रैक को क्या कर सकता है? ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मानते हैं इंटेस्टाइन और ये आता है बिलियरी ट्रैक और ये है पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास, मैंने गड़बड़ कर दिया चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है और ये
बिलियरी ट्रैक है और यहां पर है पैनक्रियास, ठीक है। तो बिलियरी ट्रैक ये वाला मान लेते हैं, बिलियरी ट्रैक्ट समझ रहे हो, जो कि लीवर से आया है, ये वाला आ गया लीवर, ठीक है। पैनक्रियास के हेड में अगर क्या होगा, कोई कैंसर हो गया, कार्सिनोमा हो गया, तो ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट बंद कर देगा बिलियरी ट्रैक्ट, हाँ या ना, हाँ या ना। तो यार भाई बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है तो ये कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियास, जो कि हेड ऑफ द पैनक्रियास होगा, तो अगर ये ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा, ड्रास्टिक इंक्रीज इन एलपी, जो कि कितना टाइम होगा, 10 to 25 times अगर बढ़ जाएगा नॉर्मल लेवल से, तो ये वाला केस में क्या क्या पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकता है। तो नंबर वन, सारे बोन का प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे कि रिकेट्स, देन पेजेस डिजीज, देन ऑस्टियोमलेसिया, देन नंबर फोर हाइपर, आई मीन कार्सिनोमा ऑफ द बोन, या बोन कैंसर बोल सकते हो, कार्सिनोमा ऑफ बोन, ठीक है। नंबर फाइव हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो ये वाला केस में भी ड्रास्टिक इंक्रीज हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ सकता है एलपी का लेवल या अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल, समझ रहे हो अभी, यहां तक समझ में आ गया अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में। अभी इंपॉर्टेंट अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में क्या बताया, कौन प्रोडक्शन करता है बताओ एलपी का, हु इज प्रोड्यूसिंग एलपी, सारे चुप, ऑस्टियोब्लास्ट। अभी मुझे बताओ ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन के अंदर बोन फॉर्मेशन, बोन के अंदर बोन सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो बोन सेल्स क्या क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या होता है, बोन फॉर्मेशन करना, बोन फॉर्मेशन, समझ रहे हो। ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, बोन रिजॉर्प्शन, मतलब बोन से क्या करना, कैल्शियम फास्फोरस सब निकाल देना, किसका काम है, ऑस्टियोक्लास्ट का, बोन रिजॉर्प्शन, समझ रहे हो। ऑस्टियोसाइट एक मैच्योर सेल है, तो दोनों इंपॉर्टेंट बात रखो, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में, एक ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है और ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, समझ रहे हो। चलो अभी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन ये पूछा है अल्कलाइन फॉस्फेटेज 28, इसका मतलब क्या है, कितना टाइम बढ़ गया बताओ, नॉर्मल रेंज कितना है बताओ, 0.5 to 2.0, मतलब ये कितना हो गया, ड्रास्टिक चेंज हुआ, हाँ या ना, यस सर, समझ रहे हो, ड्रास्टिक चेंज कौन सा केस में आता है, बेसिकली बोन का एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब ये आ गया रिकेट्स में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड स्केलेटल डिस्प्लासिया, मतलब चारों तो सेटिस्फाइड हो गए, मतलब चारों तो आंसर हो सकता है पॉसिबल, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो हमें सिर्फ एलपी लेवल देख के यहाँ पे आंसर नहीं बता सकते, हाँ या ना, जल्दी बताओ, यस सर, हमें दूसरा भी देखना, हमें और क्या देखना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट, हमें और क्या देखना पड़ेगा, एलपी हमें नहीं बता रहा है कि कौन सा केस है, ये तो नहीं बता रहा है। अभी बात करेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में, हेमोग्लोबिन एक 10 साल का बच्चे के लिए 11.5, क्या ये नॉर्मल है, एचबी 11.5, क्या ये नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल, समझ रहे हो, क्यों नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन का लेवल कितना आता है, बेसिकली अगर 10 साल का बच्चे के बारे में बात करेंगे तो ये नॉर्मल रेफरेंस जो आएगा वो हेमोग्लोबिन का, वो कितना आएगा, 11.2 से 14.5, मतलब 11 से 14.5 पकड़ लो, मतलब ये तो नॉर्मल रेंज में आता है, हाँ या ना,
एक 10 साल का बच्चे के लिए, तो 10 साल का बच्चे के लिए हेमोग्लोबिन लेवल अभी क्या आ गया, हेमोग्लोबिन अभी नॉर्मल है, हाँ या ना जल्दी बताओ। तो इसके साथ हमारा कोई लेना देना है नहीं। अभी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक अभी 18 है। इसका मतलब क्या है, 18 मतलब क्या आता है, बढ़ा है या कम हुआ है। एक बॉय के बारे में पूछा है तो मेल केस में बेसिकली एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट नॉर्मल रेफरेंस रेट कितना आता है, लेस देन इक्वल टू 15 mm/h। समझ रहे हो, 15 mm/h। अभी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितना है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल रेफरेंस रेंज कितना है, लेस देन इक्वल टू 15 mm/h, लेस देन इक्वल, लेकिन ये 18 है, मतलब स्लाइट एलिवेशन हुआ है, हाँ या ना, थोड़ा बढ़ गया है ये सर लेवल, हाँ या ना, ये सर स्लाइट एलिवेशन, स्लाइट और स्लाइटली एलिवेटेड, थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। अगर बात करेंगे सीरम कैल्शियम का, कैल्शियम के बारे में बताओ, ये बढ़ा है या कम हुआ है, कैल्शियम का नॉर्मल रेफरेंस रेंज कितना आता है, 9 to 11 mg/dL, हाँ या ना। अभी ये 12.8 yes, मतलब क्या हो गया, बढ़ गया है, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, इज एलिवेटेड। अभी नेक्स्ट बात करेंगे सीरम फास्फोरस का, कितना आता है, 2.3 mg/dL फास्फेट लेवल, नॉर्मल रेफरेंस रेंज कितना आता है चिल्ड्रन के लिए, अभी अभी फास्फोरस के बारे में पढ़े हैं एक घंटे पहले, याद तो रखना चाहिए। फास्फेट लेवल कितना आता है चिल्ड्रन केस में, क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, कितना आता है फास्फेट लेवल नॉर्मल, 5 to 6 mg/dL, 5 to 6 नॉर्मल रेफरेंस रेंज, नॉर्मल रेफरेंस रेंज कितना आता है, 5 to 6। अभी यहाँ पे कितना है, 2 to 3 mg/dL फास्फोरस, 2 to 3 mg/dL, क्या ये कम है या बढ़ गया है बताओ, कम है, कम है, तो फास्फेट लेवल यहाँ पे क्या है, कम है, डिक्रीज है, कम है, डिक्रीज है, समझ रहे हैं, नहीं, अल्कलाइन फास्फेटेस क्या हुआ है, एल्पी लेवल बढ़ गया, ड्रास्टिक इंक्रीज, हाँ या ना, ये बढ़ गया है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करें, बन के बारे में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन दूसरा बताओ, 24 mg/dL, याद रखो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना आता है, 6 to 24 mg/dL, अभी बढ़ गया कितना आ गया है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 32 mg/dL, मतलब बढ़ गया है, हाँ या ना, Am I audible? सबको सुनाई दे रहा है? Yes. Yes, sir. अभी हमें यहां से क्या क्या पता चलता है, हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है, ये सर एलिवेटेड है, कैल्सियम फॉस्फेट एंड एलपी, ये अगर देखें तो कैल्सियम लेवल बढ़ा है तो फॉस्फेट कम हो गया, एलपी बढ़ गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ गया, समझ रहे हो। अभी ये क्या इंडिकेट कर, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशनल रिकेट्स, फॉर एग्जाम्पल है रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा, हाँ या ना, रिकेट्स में क्या होता है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा, अगर डेफिशिएंसी होगा तो कैल्शियम क्या होगा बताओ, विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी होगा तो कैल्शियम लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज, क्या यहाँ पे कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ है, नो सर, तो विटामिन डी, ये ए और बी दोनों के लिए विटामिन डी का डेफिशिएंसी के वजह से रिकेट्स होता है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर होगा तो कैल्शियम क्या होगा, एलिवेटेड तो नहीं रहेगा 100%, हाँ या ना, यस सर, अभी अगर डाउट करेंगे तो कौन सा स्केलेटल
डिस्प्लासिया मतलब अबनॉर्मल बोन ग्रोथ। अभी अगर अबनॉर्मल बोन ग्रोथ होगा तो ये ज्यादा हो सकता है, अबनॉर्मल बोन ग्रोथ होगा तो ज्यादा, समझ रहे हो, ज्यादा बढ़ेगा स्केलेटल मतलब कैल्सिफिकेशन होगा, तो ज्यादा कैल्सिफिकेशन होगा मतलब क्या होगा, ये फॉस्फेट कैल्शियम सारे बढ़ेंगे स्केलेटल के अंदर, स्केलेटल डिस्प्लासिया, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो सारे चीज तो है नहीं। अगर सेटिस्फाई करना चाहते हो कि कौन सा यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल, तो फिर क्या हो सकता है, हाइपर पैराथायरायडिज्म, समझ रहे हो क्या पॉसिबल है यहाँ पे, हाइपर पैराथायरायडिज्म। इसलिए हमें कुछ चीज याद रखना यहाँ पे जरूरी है। तभी आंसर समझ में आ गया, आंसर क्या होगा, अभी थोड़ा जान लेते हैं कि कौन सा केस में क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है। यहाँ पे लिखेंगे फॉस्फेट लेवल PO4, और यहाँ पे लिखेंगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और यहाँ पे लिखेंगे डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या पॉसिबल है। अगर कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, फॉस्फेट लेवल बढ़ रहा है एंड ALP बढ़ रहा है, तो ये तीनों इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे बोन कैंसर है। क्या है, बोन कैंसर, समझ रहे हो, और बोन मेटास्टासिस हुआ। कैल्शियम लेवल अगर बढ़ रहा हो, फॉस्फेट भी बढ़ रहा हो एंड ALP लेवल अगर नॉर्मल है, तो ये वाला केस इंडिकेट कर रहा है कि ये मायलोमा है, मल्टीपल मायलोमा। अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ है, फॉस्फेट लेवल कम एंड ALP लेवल ज्यादा, ये इंडिकेट कर रहा है कि हाइपर पैराथायरायडिज्म, हाइपर पैराथायरायडिज्म। ये वाला वो क्वेश्चन में था, हाँ या ना, कैल्शियम बढ़ा था, फॉस्फेट कम था, ALP बढ़ा था, हाँ या ना। तो ये आ गया हाइपर पैराथायरायडिज्म वाला केस में। अगर कैल्शियम कम हुआ है, डिक्रीज है, फॉस्फेट कम है एंड देन ALP ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑस्टियोमालेसिया या विटामिन डी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, अगर कैल्शियम कम है, फॉस्फेट ज्यादा है एंड ALP नॉर्मल है, तो ये वाला केस इंडिकेट कर रहा है हाइपोपैराथायरायडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है, अगर कैल्शियम नॉर्मल है, फॉस्फेट नॉर्मल है, ALP एलिवेटेड है, तो ये वाला केस इंडिकेट कर रहा है पेजेट्स डिजीज। अगर तीनों नॉर्मल है, कैल्शियम नॉर्मल, फॉस्फेट नॉर्मल, ALP नॉर्मल, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये सारे चीज हम इन डिटेल बात करेंगे, ऑस्टियोमेलेसिया, पेजेट्स डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन कैंसर, ये सारे के बारे में बात करेंगे जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे, समझ रहे हो। अभी के लिए जस्ट याद रखो हाइपर पैराथायरायडिज्म एंड हाइपो पैराथायरायडिज्म, ये दोनों को याद रखो, और बाकी सारे हम स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ाएंगे उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। हाइपर पैराथायरायडिज्म में क्या आता है, हमें पता है कैल्शियम बढ़ता है, हाँ या ना, हाइपर पैराथायरायडिज्म में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. और इसका ऑपोजिट जाएगा फॉस्फेट, हाँ या ना, वो कम होगा। Yes, समझ रहे हो। Yes. अभी नेक्स्ट, हाइपर पैराथायरायडिज्म में क्या होता है, बोन से कैल्शियम निकल के जाता है, हाइपर पैराथायरायडिज्म में क्या होगा, पीटीएच क्या करेगा, बोन से कैल्शियम निकाल के छोड़ेगा कहां पर, ब्लड के अंदर, हाँ या ना, ये पीटीएच का काम है कहां पर, हाइपर पैराथायरायडिज्म। अभी बोन से सारे कैल्शियम निकल के जा रहे हैं, अभी बोन बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ,
कैल्शियम अगर मतलब बोन बनाना चाहिए या कैल्शियम फिर मतलब ऐसे ही जाएगा, बोन नहीं बनेगा। बोन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट काम करेगा बोन बनाने के लिए। मतलब यहाँ पे हाइपर पैराथायराइडिज्म में बोन से सारे कैल्शियम फॉस्फेट बहुत सारे निकल के बाहर जा रहे हैं, और दूसरा दूसरे साइड में बोन बनाने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट लगा पड़ा है। समझ रहे हो, अभी ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाने के लिए लगता है जहां पे पीटीएच बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर छोड़ा है। प्लीज म्यूट रखो अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो। दोनों को समझ रहे हो हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? यस सर। एक साइड में हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से बोन से कैल्शियम निकल के बोन से कैल्शियम ब्लड के अंदर जा रहा है, और एक में कैल्शियम देखो ऑस्टियोब्लास्ट हो रहा है, बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन के लिए दूसरा साइड ऑस्टियोब्लास्ट काम कर रहा है। अभी ऑस्टियोब्लास्ट अगर काम करेगा तो क्या निकालेगा? एलपी। हमें पता है ऑस्टियोब्लास्ट एलपी निकालेगा। ऑस्टियोब्लास्ट का काम है एलपी प्रोडक्शन करना। एलपी प्रोडक्शन तभी क्या बनेगा, एलपी ज्यादा होगा या नहीं होगा बताओ? यस सर, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, तो वही होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा। हां या ना, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होगा, कैल्शियम बढ़ेगा, फॉस्फेट कम होगा, एलपी क्या होगा बढ़ेगा, तो ये आता है हाइपर पैराथायराइडिज्म बढ़ेगा। अभी उल्टा होगा सारे कौन सा केस में, हाइपो पैराथायराइडिज्म में। समझ रहे हो, यहाँ पे कैल्शियम कम होगा ब्लड के अंदर, फॉस्फेट क्या होगा ज्यादा होगा, एंड देन नॉर्मल रहेगा अल्कलाइन फॉस्फेटेज। यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल क्यों है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पे काम नहीं करता। समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपो पैराथायराइडिज्म मतलब यहाँ पे पीटीएच बोन के ऊपर काम नहीं करेगा। बोन से कैल्शियम निकलेगा या नहीं निकलेगा बताओ? नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइपो पैराथायराइडिज्म और सर वो तो ये तो हाँ। समझ रहे हो, पीटीएच का काम है बोन से निकाल देना। हाँ। अभी हाइपो पैराथायराइडिज्म में बोन से निकाल, हाइपो पैराथायराइडिज्म में पैराथायराइड हार्मोन कम है तो बोन से क्यों निकालेगा, नहीं निकालेगा। समझ रहे हो, अभी ऑस्टियोब्लास्ट का तो काम नहीं होगा यहाँ पे। ऑस्टियोब्लास्ट का काम नहीं क्यों नहीं होगा, ऑस्टियोब्लास्ट का काम है बोन फॉर्मेशन करना। अभी हाइपोपैराथायराइडिज्म में बोन में ऑलरेडी कैल्शियम तो है, समझ रहे हो, बोन तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो अभी क्यों चाहिए फिर बोन बनाने के लिए, ऑस्टियोब्लास्ट का तो काम है नहीं, तो एलपी क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। समझ रहे हो, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बात करेंगे, सॉरी, हाइपोफॉस्फेटेमिया इज कॉज्ड बाय प्राइमरी प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म एंड हाइपो पैराथायराइडिज्म। कौन सा केस में हाइपोफॉस्फेटेमिया सर? ऑलरेडी मुझे बताओ, हाइपोफॉस्फेटेमिया हाइपर पैराथायराइडिज्म PO4 सर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। हाँ, PO4 कम होगा कौन सा केस में, जब कैल्शियम बढ़ेगा। हाँ या ना, कैल्शियम बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा हाइपर पैराथायराइडिज्म में। आंसर हो गया फिर, सिंपल सा है। हाँ या ना, यस सर। डार्क ब्राउन पोस्टमार्टम लिपिडिटी इज सीन इन डैस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए एनिलाइन पॉइजनिंग, बी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, सी फॉस्फरस पॉइजनिंग, डी सियानाइड पॉइजनिंग। कौन सा पॉइजनिंग है सर? डी। हाँ, डी, साइनाइड पॉइजनिंग। डार्क ब्राउन पोस्टमार्टम लिविडिटी इज सीन इन विच केस, कौन सा केस में डार्क ब्राउन कलर का स्किन चेंजेस होता है आफ्टर डेथ, डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, डेथ के बाद। समझ रहे हो, पोस्टमार्टम लिखा है ना, पोस्ट मतलब आफ्टर, मार्टम मतलब डेथ, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। लिविडिटी मतलब स्किन चेंजेस होना, लिपिडिटी मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ब्लड जब स्किन के नीचे आके डिपॉजिट होता है लोएस्ट पॉइंट में, उसको लिपिडिटी बोला जाता है। समझ रहे हो, पुलिंग ऑफ ब्लड टू द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज लिपिडिटी। डार्क ब्राउन कलर का स्किन चेंजेस होना आफ्टर डेथ कौन सा पॉइजनिंग को इंडिकेट करता है? एनिलाइन पॉइजनिंग, एनिलाइन पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, फॉस्फरस पॉइजनिंग एंड सियानाइड पॉइजनिंग। सर साइनेट पॉइजनिंग नहीं, ये आंसर होगा फॉस्फरस पॉइजनिंग। याद रखो, फॉस्फरस पॉइजनिंग में डार्क ब्राउन कलर का पोस्टमार्टम लिपिडिटी होता है, ठीक है। तो एनिलाइन में कौन सा कलर का होता है? रेड ब्राउन कलर का। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में चेरी रेड कलर का होगा,
सियानाइड पॉइजनिंग में डीप ब्लू कलर का स्किन होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा पॉइजनिंग में क्या क्या आता है। चेरी रेड कलर का स्किन चेंजेस होगा, यह आता है पोस्टमार्टम चेंजेस, लीवर मोर्टिस जिसको बोलते हैं, लाइव लीवर मोर्टिस और पोस्टमार्टम स्टेनिंग। स्किन कलर क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसको लीवर मोर्टिस बोलते हैं। चेरी रेड कलर कौन सा केस में आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। ब्राउन कलर का स्किन हो जाएगा आफ्टर डेथ, कौन सा केस में, नाइट्रेट पोटासियम क्लोरेट नाइट्रोबेंजीन एनिलाइन ये सारे केस में ब्राउन कलर का होगा। डार्क ब्राउन कलर होगा फॉस्फोरस पॉइजनिंग में। डीप ब्लू कलर का होगा पोटासियम सियानाइड केस में, पोटासियम सियानाइड का पॉइजनिंग में। ब्रोंज कलर ये वाला देख रहे हो, ब्रोंज कलर, कलर मैंने ऊपर लिखा है, सारे कलर दिखाया ऊपर। ब्रोंज कलर कौन सा केस में आएगा, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस इन्फेक्शन ये केस में आएगा, ब्रोंज कलर का स्किन बन जाएगा। स्किन कलर ब्राइट पिंक कलर का होगा अगर हाइपोथर्मिया होगा। ब्लैक कलर का स्किन हो जाएगा अगर ओपियम पॉइजनिंग होगा। तो ये याद रखने वाला चीज है इंपॉर्टेंट, मैंने जो बताया था क्वेश्चन में जो आंसर था, क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन था वो था डार्क ब्राउन कलर का कौन सा केस में आता है, तो आंसर क्या होता है फॉस्फोरस पॉइजनिंग। समझ रहे हो, याद रखो। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लीवर मोर्टिस, जहां पर देखो यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला स्किन के बीच में क्या डिफरेंस देखते हो, ये वाला एक मतलब डेड पेशेंट है, क्या डिफरेंस देखते हो, ये वाला अपर पार्ट है ये वाला लोअर पार्ट है, क्या डिफरेंस देखते हो। देखो यहाँ से सारे जो ब्लड है ना अपर पार्ट से, देखो ये अपर पार्ट से सारे ब्लड ड्रेन होके कहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ। हाँ या ना, नीचे की तरफ डिपॉजिट हो, सारे ब्लड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, देख रहे हो या नहीं। तो ये सारे ब्लड जो डिपॉजिट होते हैं यही तो कलर बना देते हैं, समझ रहे हो। अगर पॉइजनिंग होगा तो यहाँ पे तुम्हें सारे कलर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, समझ रहे हो। तो लीवर मोर्टिस मतलब क्या आता है, स्किन स्टेनिंग या डेथ के बाद जो स्किन कलर चेंज होना, इसको बोलते हैं लीवर मोर्टिस, समझ रहे हो। अगर मोर्टिस के बारे में बात करें तो डिफरेंट टाइप का मोर्टिस आता है या डेथ के बाद चेंजेस सारे जो होते हैं वो तीन चार डिफरेंट टाइप का बेसिकली हम बात करते हैं। तो क्या क्या, एक पेलर मोर्टिस आता है, दूसरा आता है अल्गोर मोर्टिस, नेक्स्ट आता है राइगर मोर्टिस और नेक्स्ट आता है लाइवर मोर्टिस या लीवर मोर्टिस आते हैं। तो क्या क्या मोर्टिस आते हैं बात करेंगे। नंबर वन आता है लाइवर मोर्टिस, जिसको बोलते हैं पुलिंग ब्लड एंड डिस्कलरेशन, मतलब ब्लड क्या होता है नीचे की तरफ पुल हो जाता है, समझ रहे हो, और बनता क्या है ब्लूइश पर्पल कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन आफ्टर डेथ, और ये किसके वजह से होगा, कॉज बाय ब्लड पुलिंग एट द लोएस्ट पॉइंट, समझ रहे हो। लोएस्ट पॉइंट में सारे ब्लड क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, इसके वजह से ब्लूइश एंड पिंक पर्पल कलर का या पर्पल कलर का स्किन हो जाता है, समझ रहे हो। अगर स्किन को हम थोड़ा सा दबा दें तो क्या होगा, वो वाला जगह व्हाइटिश बन जाएगा, समझ रहे हो, व्हाइटिश बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे व्हाइटिश डिस्कलरेशन, ब्लांचिंग बोलते हैं, समझ रहे हो। अगर थोड़ा सा हम प्रेशर अप्लाई करें वो जगह पे वो ब्लांचिंग होगा। यह आता है लीवर मोर्टिस के बारे में। दूसरा आता है राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस मतलब स्टिफेंड मसल्स, मतलब हाथ पैर वो सारे क्या होंगे स्टिफ हो जाएंगे, समझ रहे हो। डेथ के बाद क्या होता है मसल स्टिफनेस होगा, इसको क्या बोलते हैं राइगर मोर्टिस, समझ रहे हो। क्या क्या मोर्टिस आते हैं, नंबर वन मैंने क्या बताया, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखो लीवर मोर्टिस, इसका मतलब क्या आता है पुलिंग ब्लड एंड डिस्कलरेशन विदिन 30 मिनट्स आफ्टर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आफ्टर डेथ, समझ रहे हो। नंबर टू पेलर मोर्टिस मतलब क्या आता है, स्किन क्या बन जाना, पेल कलर बन जाना, पेल स्किन आफ्टर, पेल कलर बन जाना, पेल स्किन आफ्टर डेथ, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं पेलर मोर्टिस। नंबर थर्ड अल्गोर मोर्टिस अल्गोर मतलब टेम्परेचर, याद रखो टेम्परेचर कम हो जाना, समझ रहे हो, कोल्डनेस, टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर या कोल्डनेस, क्या बोलते हैं इसको, कोल्डनेस या डिक्रीज टेम्परेचर, अल्गोर मोर्टिस, समझ रहे हो, मतलब क्या बन जाना
क्या बल जाना, लॉस ऑफ टेम्परेचर या कूल बॉडी, कूल बॉडी टेम्परेचर या कूल बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद बॉडी क्या हो जाना, कोल्ड लगना, कूल बन जाना, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्गोर मोर्टिस, टेम्परेचर ड्रॉप होना, डिक्रीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ, समझ रहे हो, अप टू 12 घंटा, अगर डेथ के बाद, डेथ के बाद अप टू 12 घंटा क्या होता है, 1.4 डिग्री फारेनहाइट, 1.4 डिग्री फारेनहाइट पर आवर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, याद रखो 12 घंटे के लिए, जब डेथ होगा उसका 12 घंटे तक क्या होता है, हर घंटे 1.4 डिग्री फारेनहाइट क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज, और ये 12 घंटे के बाद आफ्टर विद इन, ये याद रखो विद इन 12 आवर, विद इन 12 आवर और आफ्टर 12 आवर, 12 घंटे के बाद फिर जो डिक्रीज होगा इसका आधा होगा, आधा मतलब 0.7 डिग्री फारेनहाइट पर आवर, समझ रहे हो, पहला 12 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो कितना होता है 1.4 डिग्री फारेनहाइट, और आफ्टर 12 आवर कितना होता है 0.7 डिग्री फारेनहाइट पर आवर। नेक्स्ट जो राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस मतलब, राइगर मतलब क्या होता है, स्टिफनेस, राइगर मतलब स्टिफनेस, मतलब राइगर मोर्टिस मतलब स्टिफनेस ऑफ मसल, स्टिफनेस ऑफ मसल आफ्टर डेथ, समझ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं? यस सर। अभी मैं पूछूं और एक बार, लीवर मोर्टिस मतलब क्या आता है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, पेलर मोर्टिस मतलब क्या आता है, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा है, ये देखो लिविडिटी मतलब स्किन चेंजेस, डार्क ब्राउन स्किन चेंज, लिविडिटी मतलब पोस्टमार्टम मतलब क्या था, पोस्ट मतलब आफ्टर, मट्टा मतलब डेथ, आफ्टर डेथ, समझ रहे हो, आफ्टर डेथ, और लिविडिटी मतलब पुलिंग ऑफ, पुलिंग ऑफ ब्लड टू द लोएस्ट पॉइंट, पुलिंग ऑफ लोएस्ट पार्ट, समझ रहे हो, लोएस्ट पॉइंट, समझ रहे हो, तो ये डार्क ब्राउन हो जाना आफ्टर डेथ, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ, ये किसके वजह से, ब्लड पूल होने पर, समझ रहे हो, नीचे की तरफ आने पर, और ये नीचे की तरफ आने पर यूजुअली कौन सा कलर होता है, ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन अगर पॉइजनिंग होगा तो सारा कलर चेंज हो सकता है, तो कौन सा पॉइजनिंग में क्या क्या चेंजेस होता है यहाँ पर मैंने बताया, समझ रहे हो, तो डार्क कौन सा केस में आता है, फास्फोरस पॉइजनिंग में, फास्फोरस पॉइजनिंग। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया इज सीन इन विच केस, कौन से केस में हाइपोफॉस्फेटेमिया आता है, ऑप्शन ए ऑप्शन डी सर, हाइपर पैराथायरायडिज्म, ऑप्शन डी सर, पहले हाइपोपैराथायरायडिज्म में क्या होगा, कैल्शियम क्या होगा हाइपोपैराथायरायडिज्म में, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कैल्शियम इंक्रीज होगा, कैल्शियम इंक्रीज होगा रेनल फेल्योर में, डिक्रीज होगा, फास्फोरस में डिक्रीज होगा। ओके, सी पहले देख लेते हैं, सी को देख लेते हैं, रिकेट्स में क्या होता है बताओ, रिकेट्स में फास्फोरस डिक्रीज होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा तो दोनों ही कम होगा, डेफिशिएंसी होगा तो कैल्शियम क्या होगा, डिक्रीज होगा, फास्फेट क्या होगा, बढ़ेगा, फास्फोरस भी डिक्रीज होगा, नहीं कैल्शियम डिक्रीज होगा, फास्फेट भी डिक्रीज होगा, समझ रहे हो, और हाइपर पैराथायरायडिज्म में क्या आता है, कैल्शियम डिक्रीज होगा, हाइपर पैराथायरायडिज्म इंक्रीज होगा, कैल्शियम इंक्रीज होगा, फास्फेट डिक्रीज होगा, समझ रहे हो,
फॉस्फेट डिक्रीज होगा। अभी नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस के तो बारे में बात नहीं किए थे, अल्कलोसिस के बारे में बात किए थे, हाँ या ना? अल्कलोसिस में हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। अभी आंसर यहाँ पे क्या होगा? रिकेट्स होगा और हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाँ या ना? रिकेट्स केस में विटामिन डी कम होता है तो इसके वजह से क्या होगा? कैल्शियम भी कम होगा एंड फॉस्फेट भी कम होगा, हाँ या ना? हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होता है? इंक्रीज कैल्शियम बट डिक्रीज फॉस्फेट, वही तो है, हाँ या ना? Yes, sir. तो वही होता है हाइपोफॉस्फेटी में, कौन सा केस में आ गया? रिकेट्स में और दूसरा हाइपर पैराथायराइडिज्म। कोई डाउट? No, sir. अभी रेनल केस में बात करेंगे, सीआरएफ केस में, क्रोनिक रेनल फेल्यूर में। रेनल फेल्यूर में क्या होता है? रेनल फेल्यूर में याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फेट क्लियरेंस नहीं होता है, समझ रहे हो? फॉस्फेट डिक्रीज क्लियरेंस, क्लियरेंस मतलब एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, समझ रहे हो? फॉस्फेट अगर क्लियरेंस या डिक्रीज एक्सक्रीशन होना, अगर डिक्रीज एक्सक्रीट होगा वो चाहे, मतलब ये मान लो कि जो भी रेनल फेल्यूर होगा वो केस में 100% हाइपोफॉस्फेटेमिया नहीं होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है। कौन सा केस में? रेनल फेल्यूर में, समझ रहे हो? रेनल फेल्यूर में हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा, याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई डाउट है? मतलब उल्टा होगा ना, नॉर्मल जो होता है उसका उल्टा हो जाएगा ना रेनल फेल्यूर में। नॉर्मल में क्या होता है? कैल्शियम ज्यादा बढ़ता है, फॉस्फेट कम होता है, कम रिअब्सॉर्प्शन होता है। अभी सीआरएफ होगा, रेनल फेल्योर होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा ना, फॉस्फेट ज्यादा रिअब्सॉर्प्शन होगा, बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट, हाइपोफॉस्फेटेमिया इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, कौन से केस में हाइपोफॉस्फेटेमिया नहीं होता है? ऑप्शन ए अक्यूट रेनल फेल्योर, बी रिजॉल्विंग फेज ऑफ डायबिटिक किटोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और सीओपीडी, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, बी बी। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, अब यहाँ पे अगर गलत करोगे ना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब तुम अच्छे से सुन नहीं रहे हो, मैं मान लूंगा। थोड़ी देर पहले यहाँ पे सीआरएफ के बारे में बताए थे हम लोग, क्रोनिक रेनल फेल्योर के बारे में, yes, क्या आता है यहाँ पे? हाइपोफॉस्फेटेमिया में होता है क्या? क्या रेनल फेल्योर के बारे में? Yes, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा ना रेनल फेल्यूर में? हाइपर हाइपर रेनल फेल्यूर क्या होता है? हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया एंड देन हाइपोकैल्सेमिया, याद रखो। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सिंपल सा आंसर है ना, ऑप्शन ए। यस सर, यस सर, ऑप्शन ए अक्यूट रेनल फेल्यूर। अभी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, सीओपीडी, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, रिजॉल्विंग फेज, मतलब कीटोसिडोसिस जब ठीक हो गया हो, और डायबिटिक कीटोसिडोसिस में क्या आता है? जब हाइपरग्लाइसेमिया क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एटीपी बनेगा और फिर इंट्रासेलुलर शिफ्ट होगा फॉस्फेट का, बहुत सारे चीज यहाँ पे आते हैं। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का वही इंट्रासेलुलर शिफ्ट होना, अल्कोहलिज्म में फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन ना होना, वही सारे आते हैं। तो यहाँ पे हाइपोफॉस्फेटी में सारे चीज में होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन एक्यूट रेनल फेल्योर में हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा, ये याद रखो। ये पेशेंट हैज अ फॉस्फेट लेवल ऑफ 1.0 एमजी पर डेसिलीटर, व्हिच कंडीशन बिलो इज नॉट ए कॉज ऑफ दिस फॉस्फेट लेवल? 1.0 मतलब कौन सा केस है बताओ? फॉस्फेट लेवल 1.0 क्या है ये? हाइपोफॉस्फेटेमिया, वेरी गुड, हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेटेमिया। ये वाला केस में कौन सा केस में हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा? हाइपोपैराथायराइडिज्म, ऑस्टियोमालेसिया, रीफिटिंग सिंड्रोम, थर्मल बर्न, याद रखो हाइपो, देखो ये वाला केस नॉट ए कॉज ऑफ फॉस्फेट, मतलब यहां से कौन सा हाइपोफॉस्फेटेमिया का कॉज है नहीं,
हाइपोपैराथायरायडिज्म, ये वाला केस में क्या होगा? हाइपोपैराथायरायडिज्म में कैल्शियम कैल्शियम लेस होगा, फास्फेट लेवल बढ़ेगा, हाँ या ना? तो ये वाला तो हटा दिए पहले, समझ गए? अभी नेक्स्ट रिफिलिंग सिंड्रोम में क्या होता है? बताया था मैंने मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होना, मतलब जो स्टार्वेशन वाला मैंने बताया था ना स्टोरी, प्रिजनर को बंदी बना लिए थे, खाने नहीं दिए थे, जब पहले पहली बार खाना दिए तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा, एटीपी बनने के लिए फास्फेट यूटिलाइज हो गए, तो फिर हाइपोफॉस्फेटी में वो वाला केस में आता है, क्या होता है? फॉस्फेट लेवल डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होने का रीजन है? मतलब एक्सेस लॉस होता है फॉस्फेट लेवल का, एक्सेस लॉस, याद रखो बर्न में क्या होता है? एक्सेस लॉस ऑफ फॉस्फेट, तो ये भी हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा, लेकिन एक जो हाइपोफॉस्फेटेमिया नहीं होगा वो क्या है? ये हाइपोपैराथायरायडिज्म, समझ रहे हो? पहले तो हम समझ लिए हाइपोपैराथायरायडिज्म में क्या होगा, डिक्रीज कैल्शियम एंड इंक्रीज फॉस्फेट लेवल, हाँ या ना? यही पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, पेशेंट हैज ए फॉस्फेट लेवल, मतलब हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है पेशेंट को, यहां से कौन एक हाइपोफॉस्फेटेमिया नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? हाइपोपैराथायरायडिज्म होगा, हाइपर फॉस्फेटेमिया होगा, क्यों होगा हाइपर फॉस्फेटेमिया? जल्दी बताओ हाइपोपैराथायरायडिज्म में हाइपोफॉस्फेटेमिया क्यों होगा? कैल्शियम इंक्रीज होता है और कैल्शियम इंक्रीज होता है वाला केस में कैल्शियम डिक्रीज रिअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का अब रिअब्जॉर्प्शन को कम कर लेता है कौन सा, पैराथायरॉइड हार्मोन या पीटीएच, हाँ या ना? जल्दी बताओ, अगर पीटीएच लेवल कम होगा तो रिअब्जॉर्प्शन कम होगा या बढ़ेगा फॉस्फेट का? समझ रही हो? समझ रही हो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। पैराथायरॉइड हार्मोन का काम क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल में डिक्रीज करना रिअब्जॉर्प्शन, किसका? फॉस्फेट लेवल का। ये हाइपोपैराथायरायडिज्म में जब पीटीएच लेवल कम हो रहा है तब ये क्या होगा, रिअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा या ज्यादा होगा? रिअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, हाँ या ना? यस सर। तो फॉस्फेट लेवल नहीं होगा तो यहाँ पे ज्यादा होगा, तो ये वाला केस है जहां पर फॉस्फेट लेवल कम नहीं होना चाहिए, तो आंसर है हाइपोपैराथायरायडिज्म। ए पेशेंट अंडरगोइंग ट्रीटमेंट ऑफ रैब्डोमायोलाइसिस, रैब्डोमायोलाइसिस बात किए थे हम लोग, जहां पर मसल का ब्रेकडाउन होता है, विथ अ फॉस्फेट लेवल ऑफ 6.0, 6.0 मतलब क्या हो गया, 6.0 मतलब क्या हो गया, हाइपो या हाइपरफॉस्फेटेमिया हो गया, हाइपरफॉस्फेटेमिया हुआ है पेशेंट, एंड इज अबाउट टू ईट देयर डिनर, और डिनर लेने जा रहा है ये वाला पेशेंट, डिनर लेने जा रहा है, व्हाट फूड from their food tray would be removed due to high content of phosphate, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा food के अंदर ज्यादा phosphate है और उसको नहीं देना चाहिए। Option A, chicken and French fries, B, rice and macaroni, C, macaroni and canned tuna, D, baby carrot and peach, इसमें ज्यादा phosphate level होता है या phosphorus होता है ज्यादा, क्या क्या बताया था मैंने? नंबर वन सोर्स के बारे में, मिल्क एंड मीट तो मीट कहाँ पर निकाला था? वही तो है आंसर, यस सर। किसमें? चिकन, यस सर। ऑप्शन ए, समझ रहे हो? वही तो आंसर है,
समझ रही हो, मीट के अंदर तो है। और ये वाला अगर ऑलरेडी हाइपरफॉस्फेटेमिया है, 6.0 है हाइपरफॉस्फेटेमिया, तो हमें फॉस्फेट अवॉइड करना चाहिए, तो ये वाला फूड नहीं देंगे, ब्रेड एंड चिकन एंड फ्रेंच फ्राइज, राइट। समझ में आ गया? यस यस सर। नेक्स्ट बात करेंगे ए पेशेंट ब्लड टेस्ट, मतलब ये आता है किंड टूना फिश, मतलब टूना है, क्या होता है बताएं, एक फिश का नाम है फिश, और ये केन में आता है और इसके अंदर तो फॉस्फेट नहीं होता है, समझ रहे हो। मैकरोनी क्या होता है, मैकरोनी एक सूजी से मतलब पास्ता, देखे हो ना पास्ता, yes, पास्ता जैसा होता है मैकरोनी, जो कि सूजी से बनता है, समझ रहे हो, उसके अंदर उतना ज्यादा फॉस्फेट नहीं होता है। पेशेंट्स ब्लड टेस्ट शोस सो दैट दे हैव अ क्रिटिकली लो पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड मतलब हाइपोपैराथायराइडिज्म है, व्हाट इफेक्ट वुड दिस हैव ऑन फॉस्फेट एंड कैल्शियम लेवल, ये पूछ रहे लो पैराथायराइड हार्मोन है तो फॉस्फेट एंड कैल्शियम लेवल क्या होगा, अभी बता दो मुझे। ऑप्शन ए, लो पैराथायराइड अगर डिक्रीज पीटीएच है तो फिर क्या होगा, आंसर क्या होगा बताओ, कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फॉस्फेट क्या होगा, इंक्रीज, और फॉस्फेट इंक्रीज होगा, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ए आ गया, कैल्शियम लेवल लो, ऑप्शन ए ऑप्शन ए, समझ रहे हो, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच पेशेंट इज लाइकली टू प्रेजेंट विद अ फॉस्फेट लेवल 6.0, मतलब 6.0 मतलब ऑप्शन डी सर, ए पेशेंट इन एंड स्टेज रेनल फेलियर, मैंने बताया था ना रेनल फेलियर में, रेनल फेलियर में क्या आता है, फॉस्फेट इंक्रीज होता है और कैल्शियम डिक्रीज होता है, हर टाइम इंक्रीज क्या होता है, फॉस्फेट एंड डिक्रीज कैल्शियम, हां या ना, यस यस, ब्लाइंडली यही वाला आंसर होगा, समझ रहे हैं नहीं, और ये हाइड्रोक्साइड क्या है, फॉस्फेट बाइंडर है, बताया था मैंने, हां या ना, फॉस्फेट बाइंडर है, तो ये क्या करेगा, फॉस्फेट को बाइंड करके ये हाइपर पैराथायराइडिक, आई मीन सॉरी हाइपरफॉस्फेटेमिया का के ट्रीटमेंट में पढ़े थे हम लोग, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से एंटासिड, एक एंटासिड फॉस्फेट बाइंडर है तो एक्सक्रीट कर लेगा तो हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा, हां या ना, यस सर, इसको टीपीएम चल रहा हो, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, उसमें तो ज्यादा फॉस्फेट नहीं होगा, नॉर्मल तो है, समझ रहे हो, अगर कोई बियर ले रहा है डेली तो इसमें क्या होगा, अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो क्या होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा, क्योंकि ये इंटरफेयर करेगा पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन में, बियर अगर मैं डेली ले रहा हूं मैं, दैट विल लीड टू डिक्रीज फॉस्फेट, हां या ना, यस सर, रीअब्सॉर्प्शन, हां या ना, यस सर, ये तो तीनों ये बोल रहे हैं कि हाइपो होगा, लेकिन यही वाला एक है जहां पर क्या हो सकता है, हाइपर, हाइपर, समझ रहे हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए पेशेंट हैज अ फॉस्फेट लेवल ऑफ 5.6, द डॉक्टर ऑर्डर्स द पेशेंट टू टेक फोस्लो, राइट, फोस्लो मतलब कौन सा ड्रग है बताओ, पोटेशियम बाइंडर, फॉस्फेट बाइंडर, नहीं वो सर फॉस्फेट बाइंडर, अगर फॉस्फेट बाइंडर का काम कौन सा केस में दिया जाता है, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपर केस में, ये फॉस्फेट लेवल 5.6 मतलब आ गया हाइपरफॉस्फेटेमिया, हां या ना, यस सर, और यहां मतलब है कोई पेशेंट को हाइपरफॉस्फेटेमिया है और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए फॉस्फेट बाइंडर दे दिए, व्हाट एजुकेशन विल यू प्रोवाइड टू दिस पेशेंट रिगार्डिंग दिस मेडिकेशन, ये मेडिकेशन के बारे में तुम्हें क्या बोलना चाहिए पेशेंट को, ऑप्शन ए टेक द मेडिकेशन विथ मील और राइट आफ्टर, बी टेक द मेडिकेशन बिफोर बेड टाइम व्हेन फॉस्फेट लेवल्स आर हाईएस्ट, ऑप्शन सी टेक द मेडिकेशन विथ वाटर, डी टेक द मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, ऑप्शन डी एम्प्टी स्टोमक में नहीं लेंगे, फॉस्फेट बाइंडर का काम क्या होता है पहले बताओ, बाइंडर का काम क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं फूड के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फेट हम खा लिए खाना और फॉस्फेट क्या हुआ, खाने से रिलीज हो रहा है, अब ये फॉस्फेट को बाइंड करने का काम किसका होगा, फॉस्फेट बाइंडर
हाँ या ना? यस सर। अगर मान लेते हैं एम्प्टी स्टोमक में ले लिए, खाली पेट में, खाना नहीं खाया, एम्प्टी स्टोमक में ले लिए, अभी फॉस्फेट बाइंडर क्या होगा? फॉस्फेट को बाइंड कर सकता है क्या फूड के अंदर जो होगा? नो सर। खाना खाते हैं ना, उससे 5-10 मिनट पहले, नहीं तो मतलब खाने के बाद, समझ रहे हो? अगर लेंगे तो क्या होगा, खाने में जितना सारा फॉस्फेट होगा वो सारे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड कर सकता है। इसका मतलब ऑप्शन द मेडिकेशन विद मील और राइट आफ्टर, इमीडिएटली लेना चाहिए। और अगर पहले लेते हो तो पहले कितना टाइम से पहले, 5 to 10 minutes बिफोर, समझ रहे हो? 5 से 10 मिनट पहले, खाने का 5-10 मिनट पहले हम खा सकते हैं, सो दैट खाने के अंदर जितना भी फॉस्फेट होगा ये क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज्ड आफ्टर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड विद अ फॉस्फेट लेवल ऑफ 1.8। हॉस्पिटल लेवल कितना है? 1.8 है। व्हाट टाइप ऑफ फूड्स विल यू एनकरेज पेशेंट टू कंज्यूम इन योर डाइट टीचिंग? ऑप्शन ए ऑर्गन मील्स एंड बीफ। क्यों? ऑप्शन ए सर, यहाँ पे हाइपो हुआ है तो इंक्रीज करने के लिए मीट देंगे। हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ, हाँ या ना? अभी इंक्रीज करने के लिए, यस, हाँ या ना? तो आंसर हो गया करेक्ट, ऑर्गन्स मीट एंड बीफ, करेक्ट, समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपरकैल्सेमिया, हाइपरकैल्सेमिया हो रहा है एंड हैज डेवलप्ड रेनल कैल्क्यूली, रेनल कैलकुली हुआ है, ये रेनल फेल्यूर है नहीं, याद रखो, रेनल कैलकुली। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फॉस्फेट लेवल इन हाइपरकैल्सेमिया? फॉस्फेट लेवल क्या होगा हाइपरकैल्सेमिया में? डिक्रीज होगा, फॉस्फेट लेवल डिक्रीजेस। ऑप्शन करेक्ट सर, ऑप्शन बी। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट एक्सपेक्ट टू सी विद अ फॉस्फेट लेवल ऑफ 1.2। 1.2 मतलब क्या आता है फॉस्फेट लेवल? हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो ये यहाँ पर कौन सा डिजीज होगा? ऑप्शन ए प्रोस्टेट प्रोसेस, ऑप्शन सी बी वीकनेस, सी कंफ्यूजन, ऑप्शन सी डी ऑस्टियोमेलेसिया, ऑप्शन सी। क्यों? ए, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए सर। ये ऑप्शन ए कौन सा केस में आता है बताओ? हाइपोकैल्सेमिया में ट्रोसिस साइन, चोस्टेक साइन, ये सर आते हैं ना, टिटानी वगैरह, ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पे ये 1.2 फॉस्फेट लेवल मतलब हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाँ या ना? और ये वाला पेशेंट में क्या होगा फिर? हाइपर कैल्सेमिया होगा। अगर हाइपर कैल्सिमिया पेशेंट को है तो फिर ये पॉजिटिव प्रोसेस साइन क्यों आएगा भाई? ये हाइपो कैल्सिमिया में आता है ना, हाँ या ना? यस सर। तो ये पेशेंट को क्या होगा, ये वाला पेशेंट में, ये पेशेंट में क्या होगा, हाइपो फॉस्फेटेमिया होगा एंड हाइपर कैल्सिमिया है, तो हाइपो कैल्सिमिया का साइन क्यों आएगा, समझ रहे हो या नहीं? यस सर। ऑप्शन ए ये वाला तो नहीं होगा, ये लिखा है क्या, नॉट एक्सपेक्ट टू सी इन फॉस्फेट लेवल 1.2। हाइपोफॉस्फेटेमिया केस में हाइपरकैल्सेमिया होता है तो हाइपोकैल्सेमिया का कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि हाइपरकैल्सेमिया है पेशेंट को, हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट फॉर फॉस्फेट लेवल 2.2। फॉस्फेट लेवल 2.2 में कौन सा एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट है नहीं? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर फोस्लो बाय माउथ विथ मील्स, बी एडमिनिस्टरिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स, सी एनकरेजिंग द पेशेंट टू ईट फिश, बीफ, चिकन एंड ऑर्गन मीट्स, डी एंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी ड्यू टू रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। ऑप्शन ए। क्यों? ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए, वो फॉस्फेट बाइंडर होता है, फॉस्फेट बाइंडर होता है, तो ये कौन सा केस में दिया जाता है, हाइपर फॉस्फेटेमिया में, समझ रहे हो? लेकिन पेशेंट को क्या है,
हाइपोफॉस्फेटेमिया है, हाँ या ना? यस सर। तो ये वाला तो नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं, हाँ या ना? फसलों क्यों देंगे? फसलो कौन सा केस में देंगे? हाइपर फॉस्फेटेमिया केस में। लेकिन पेशेंट को क्या हुआ है? हाइपो हुआ है, डिक्रीज है। हाइपोफॉस्फेटेमिया। अभी ये केस में विटामिन डी देंगे? हाँ करेक्ट है। क्यों? विटामिन डी क्या करेगा? क्योंकि वो विटामिन डी इंक्रीज होगा, इंक्रीज अब्सॉर्प्शन कराएगा ज्यादा, हाँ या ना? यस सर। अभी यस सर पेशेंट को एनकरेज करेंगे, फिश बीफ चिकन ये सारे देंगे, तो ये सारे क्या होते हैं? हाँ हाँ या ना? फॉस्फेट रिच फूड्स। अभी डी वाला देखो, एंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी ड्यू टू रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर होने का रिस्क है क्यों? हाइपोफॉस्फेटेमिया है, क्योंकि हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नॉट एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट। ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि फसलों यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, हाँ या ना? यस सर। क्या गया लास्ट क्वेश्चन था?